हो गया दे करो ऑडियो परफेक्ट है ओके। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स रिस्पॉन्स नहीं है यार मैंने गुड आफ्टरनून बोला खाना खाया ना तुम लोगों ने yeah. आवाज चाहिए गुड आफ्टरनून मेरे से कम है तुम्हारी आवाज मेरी आवाज कैसे ज्यादा है? मॉर्निंग थोड़ा सा ठीक हो चुका हूँ आप लोगों की शक्लें देख के और ज्यादा ठीक हो जाऊंगा इतने प्यारे प्यारे बच्चे है सो ई सेल्फ सी ए अभिषेक जावरे कुछ लोग नए हैं शक्ले नई दिक्री कुछ लोग पुरानी ही शक्ले है सो जो भी है आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट आई एम नॉट अ बी कॉम मैं जस्ट एक चार्टड अकाउंटेंट हूं बस बाकी कुछ नहीं आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड वराइटी ऑफ सब्जेक्ट फॉर लास्ट अराउंड सेवेंटीन ईयर्स आई टीच एट इंटर नाउ अकाउंट्स कॉस्टिंग इन ग्रुप टू एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्लीयर आई यूज़ टू टीचर लॉ लॉल्सो बट अभी दर्शन सर हैंडल कर रहे सो पहले आई टी भी सिखा रहा था आई टी था एक जमाने में मेरा पहला प्यार आई टी था सो सबसे पहले मतलब जो शुरुआत की थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शुरुआत की थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन करके करके मतलब आई लाइक वराइटी ऑफ थिंग्स एंड दैट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाउ इन शूड कॉल्स इट एज अडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बस कुछ सिखाता हूं इन एडिशन टू टीचिंग आई डू सम मोर थिंग्स कुछ छोटा मोटा पेट के लिए करना पड़ता है तो आई एम अ गुड इन्वेस्टर कम ट्रेडर इन्वेस्टर ज्यादा हूं ट्रेडर कम हूं अलगोरिदम्स डेरिवेटिव्स में भी मतलब आईटी वाला चीज बहुत अच्छे से हम कम काम करते तो

हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ स्टोर्स खोले हैं कुछ ज्यादा नहीं है वी हैव जस्ट अराउंड 45 स्टोर्स इन इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स दुबई एंड ओपनिंग इन यूरोप इन द नेक्स्ट वन मंथ सो ऑस्ट्रेलिया इज अ टारगेट फॉर बाय दिवाली वेकेशन विल बी इन ऑस्ट्रेलिया सो ऑस्ट्रेलिया विल बी दिस पर्टिकुलर दिवाली विल बी ऑस्ट्रेलिया सो हम इंडिया का लगभग लगभग लग 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 हमने आठ से नौ फार्मर्स को कनेक्ट किया एंड दिस ऑल एंटरप्राइज एंड वेंचर इज विद द

ऑनलाइन डेटिंग का इंडिया का पेटेंट लेके रखा है कुछ फायदा हुआ नहीं लॉस ही हुआ सो बट उसमें भी स्टूडेंट्स है सो बहुत सारी एक्टिविटीज में ऐसे करते रहता हूँ उसके बीच में टाइम मिल गया तो हम सिखाते भी रहते जैसे आपको हम हर रोज सिखाएंगे सो आई होप यू हैव पास फाउंडेशन कुछ डायरेक्ट एंट्री वाले भी स्टूडेंट्स रहेंगे कुछ फाउंडेशन वाले रहेंगे वोट द मिक्सर इट कुड भी कुछ लोकलाइट रहेंगे कुछ हॉस्टल वाले बच्चे रहेंगे जहां कहीं से आप आए हो मेजोरिटी फाउंडेशन वाला बच्चा मेजर रहेगा मेरे हिसाब से डायरेक्ट एंट्री वाला इस अटैम्प में नॉर्मली कम रहता है मे अटैम्प्ट के लिए ज्यादा रहता है सो योर एग्जामिनेशन इज इन नोवेंबर टू थाउजेंड ओके सो यू आर डिसाइडेड टू गो फॉर नोवर ट्वेंटी एक ग्रुप हो दो ग्रुप हो जो भी डिसीजन आपने लिया है

बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं है आपके पास सात आठ महीना अवेलेबल है यार सात आठ महीना आपका क्वांटिटी यू हैव नो नो सात आठ नहीं ज्यादा मिलेगा आपको रफली एट एंड हाफ मंथ्स फ्रॉम नाउ आज पंद्रह फरवरी है एक नवंबर को आपका पेपर रहेगा अज्यूम करो या दो नवंबर को आपका पेपर रहेगा तो जब भी कभी आपका पेपर रहेगा दिवाली के टाइम पे आपका पेपर परफेक्ट दिवाली के टाइम पे आने वाला है सो so,

रहता है तो और बच्चा फिर दो तीन महीने के बाद पढ़ाई चालू करता है बीच में बीकॉम का एग्जाम आता है बीकॉम वाले लोग तुमको परेशान करते, करते हैं प्रेशर बहुत सारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते एंड दैट इज रीजन व्हाई मेनी स्टूडेंट्स फेल इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कोर्स आप टफेस्ट चीजों में देखोगे तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं बहुत है बहुत मुश्किल है आई का थोड़ा अतरंगीपना रहता है वो थोड़ा अतरंगी चीज़ें सिलेबस में रहता है पूछता है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है सीए कोर्स में कुछ चीज़ें आप ऐसे सीखोगे जिनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है या फालतू का चीज़ है मतलब तो ये कोई पॉइंट नहीं उसका लेकिन सीखना पड़ता है ऑप्शन नहीं है अरे जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जहां पर पॉइंट नहीं लेकिन तभी भी यू हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज इट इज़ ए पार्ट तो साढ़े आठ महीने में आप आराम से सिलेबस खत्म कर सकते हो प्रोवाइडेड यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग तो कोर्स अच्छा भी है बुरा भी है दोनों प्रोज कॉन्स दोनों है, मतलब बेसिकली तुमको है ना हर रोज कितना अभी तुम्हारा टाइमिंग सेवन थर्टी टू सिक्स ओ क्लॉक सो ऑन एन एवरेज यू विल बी हियर इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग फॉर अबाउट टेन इलेवन आवर्स सो लगभग लगभग आप घर से ग्यारह घंटे कोई दूर रहता है तो घर से बारह घंटे आप दूर रहोगे और ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है एटलीस्ट फॉर फाइव एंड हाफ मंथ्स टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई दोनों ग्रुप अगर आप करोगे पंद्रह फरवरी से लेकर थर्टी फर्स्ट जुलाई या फिफ्थ ऑगस्ट ले लो आप डेज हियर तो आपको ये शेड्यूल फाइव एंड हाफ मंथ्स फॉलो करना है एंड देर आफ्टर टू थ्री मंथ्स ऑफ योर सेल्फ स्टडी तो ये जो स्टडी का शेड्यूल है ना आठ साढ़े आठ महीने आपको फॉलो करना है और बच्चा क्या करता है वो इंस्टाग्राम खोलता है उसके जो दोस्त दूसरे साइंस को गए या आर्ट्स को गए या कुछ कर नहीं रहे हैं वो बच्चे ऐसे ऐसे फालतू के बस यू यू करके पोस्ट डालते हैं और तुम देखते तो हो रहे पर्टिकुलर लाइफ <laughs> और ऐसा नहीं है आठ साढ़े आठ महीने में आपको ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बारह के बारह घंटे आपको पढ़ाई करना है बारह घंटे लेक्चर्स के है उसमें भी बहुत सारा फन रहेगा बहुत सारा चीजें आपको नया नया सीखने मिलेगा अगर पॉसिबल है ना तो आज आपका दिमाग आप मेजर कर लो कितना आपके ब्रेन का लेवल है और थर्टी जुलाई 2024 को आपका ब्रेन का लेवल मेजर करना एंड यू विल फाइंड अ सब्सटेंशियल चेंज इन योर ब्रेन लेवल्स इफ यू लिसन टू द इंटरमीडिएट केयरफुली ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना अभी ऑनलाइन बच्चे तुम नहीं देख पाओगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लास्ट डे को पिछले बैच के बच्चों ने कुछ हमने जो क्लास में कंपनीज डिस्कस की थी ना उनके क्या ये ऑनलाइन पब्लिक तुमको कैसे दिखेगा ऑनलाइन वाले को ये हाँ एक सेकंड कैमरा चालू करना पड़ेगा ना इसका ढूंढना पड़ेगा किधर है इसका कैमरा कभी यूज़ नहीं किया हमने इतने स... दिखे देखे गए लेकिन हाँ दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है ओके ओके ये यहाँ पर नहीं ये हाँ जाएगा ना उधर हाँ बराबर उधर वो कैमरा तो? हाँ, नहीं, नहीं, नीचे से ऊपर देखो हाँ, उसको सिर्फ ये जो है ना ये अलग अलग हमने, हमने कोई शेयर मार्केट डिस्कस नहीं किया बिजनेस ड्यूरिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अभी बच्चों ने सिर्फ थोड़ा जो कंपनीज प्रॉफिट में गए वही लिखे <laughs> कुछ कुछ लॉस में भी गए ऐसा नहीं कि आपको सारा ग्रीन ही देखेगा बोलेगा सर इतना ग्रीन लेकिन मैं बोलता हूँ इसके ऊपर मतलब पिछले बैच में कुछ स्टूडेंट्स ही जिन्होंने तीन चार लाख रुपया कमाया लाइक वहां पर आपको ट्रेंड दिखेगा ट्रेंड कुछ तो सत्री तक का ऊपर रहेगा ऑगस्ट ट्रेंड रहेगा ना तो लगाया रहेगा ट्रेंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर था उस टाइम पे मैंने उनको कैसे रेशियोज एनालाइज करना है कैसे कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना है मेजर कैसे करना है वो सारा चीज सिखाया था अब आपको ना सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा सीए कोर्स वाली चीजों में जो सिलेबस है आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है बहुत घटिया घटिया चीजें भी है दोनों का मिक्सचर है वो घटिया आप बोले सर घटिया वाला चीज है क्यों क्योंकि तुम आदमी को जिंदगी में रियल लाइफ में जब तुम जाओगे जॉब करने जाओगे तुमको क्या हर रोज अच्छी चीज मिलेगी मुझे क्या हर रोज अच्छा रिस्पॉन्स तुम लोग नहीं ना मैं जॉब कर रहा हूँ यहां पर मैं काम कर रहा हूँ मेरा सीए का डिग्री हो जाए आप गारंटी है इंस्टीट्यूट ने मुझे घटिया चीजों का ट्रेनिंग पहले से ही देके रखा है जो चीज ऐसे इर... आप दिमाग मतलब ऐसा करके हो जाएगा क्यों कर रहा हूं मैं ये ये बुक फाड़ के मैं फेंकना चाहता हूं लेकिन सोचता नहीं करना पड़ता है सो

एनालाइज बिजनेस एंड राइटेल्ड रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीट डिटेल्ड रिपोर्ट मतलब कल ही एक बच्चा है अभी एक बच्चा ने मेरे को कल मैसेज किया था पिछले आज का बोलता सर मेरे को बोलने का है मैंने नहीं बोला उसको आखिर कोई इधर बार आएगा अंदर मतलब यू विल सी एज अ कोर्स कल का ही मैसेज है सो so, मैंने उसको आज सुबह 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 रिप्लाई किया मैंने उ वॉट लेवल अ चार्ट अकाउंटेंसी स्टूडेंट कैन गो मेरा फोन थोड़ा फास्ट है ये सी ए फाइनल का बच्चा है सो लुक एट इट वेयर अ स्टूडेंट कैन गो दिस इज वेर यू शुड गो एज अ पार्ट ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स और ये सारे स्टूडेंट्स ही है कल का मैसेज येस्टे हेलो सर आई होप यू आर डूइंग ग्रेट फॉर द लास्ट टू एंड हाफ ईयर्स आई वॉज रनिंग अ डोमेन कॉल्ड एज अ डी कोडिंग मार्केट डॉट इन वेर मी एंड अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स यूज टू पब्लिश रिसर्च ऑन केस स्टडीज ऑन द वेराइटी ऑफ बिजनेसेस अल्फा अभी अल्फा क्या होता है कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा धीरे धीरे समझेगाइक टू मीट यू सी बच्चा है ये अलग अलग कंपनीज है उसके रिपोर्ट्स भी नीचे कंप्लीटली उस डेट पे पब्लिश किया रिटर्न टिल डेट दिस आर द रिटर्न दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और ये ऐसा टाइम पास नहीं है दिस इज ऑल केस स्टडीज विच आर पब्लिश्ड 8 सितंबर को उसने पब्लिश किया पराग मिल्क करके कंपनी है पराग मिल्क फूड्स यहां पर मेजर जुन्नर में उनके मेजर ऑपरेशन है पुणे सिटी में ही. तो

विथ हुएम अ स्टूडेंट फ्रॉम इचलकरंजी इचलकर एक जगह है कोल्हापुर से थोड़ा आगे अक्षय अग्रवाल करके बंदा है नॉर्मल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आके बिजनेस नहीं लौ, पापा लॉयर है सर्विस करते हैं लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आ गया ग्यारहवीं से एकत्र में था तो तब से समझ में आ गया इंट्रैक्शन होते गया होते गया, होते फ्रॉम नो वेर

इंटर में आने के बाद थोड़ा सीरियसनेस थोड़ा सा लेवल बढ़ता है फाइनल जाने के बाद सीरियसनेस का लेवल और बढ़ेगा यू शुड ट्रांसफॉर्म चेंज करो तभी जाके आप हर रोज 12 घंटे अगले छ महीने तक यहां रुक पाओगे आने का आपको मोटिवेशन रहेगा नहीं तो ना फोर्सफुली आके बैठना है तुमने एडमिशन लिया है इसलिए आके बैठ रहे हो वैसा नहीं चाहिए यार तुमको हर रोज फील करना चाहिए ओके okay, आज मुझे जाके कुछ तो नया सीखने मिलेगा और वो आपको हर रोज फीलिंग आएगी ऑब्वियसली कुछ दिन होंगे जहां पर

You have come here for learning intermediate subjects from us. You are not come here for listening to songs. Songs na YouTube खोलो गाना सुनो बस मेरे से नहीं हो सकता पहली चीज हम कोई मतलब मेरे से टाइम पास वाला चीज कुछ नहीं आएगा जेन्यून कॉन्टेंट आता रहेगा लेक्चर साढ़े तीन घंटे का मैं थोड़ा सा ब्रेक आपको दे दूंगा आपकी शक्लें वगैरह देख के डिसाइड करूंगा ब्रेक दे दूंगा, दे दूंगा। एक पांच दस मिनट के लिए सुशू वगैरह करना है आपको ब्रेक मिलेगा

अभी आज मैं प्रिंटआउट लेके नहीं आया मेरे पास ऑलरेडी कौन से डेविएशन आया तो प्लस वन उतना डेविएशन आएगा प्लस माइनस टू लेक्चर्स सामने बच्चे है इदर, 24 का दो बच्चा खड़ा है उधर कितना है था बेटा तुम्हारे पूरे बैच में एक लेन मैंने उनको आउट लाया नहीं पहला दिन कर लेता हूँ प्रिंट आउट

स ओरिएंटेड चीजों में रहोगे ना बेटा फ्यूचर इज नॉट देयर फॉर दिस आपको analytical brain develop करना पड़ेगा, जो जो का है है है, या legal है या जो tax के computations है, उसके लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं तो फिर आप बोलेंगे हम क्यों सीख रहे हैं आपको प्रोसेस समझना चाहिए और प्रोसेस से इसको एनालाइज कैसे करना है उसका आई एम नॉट से आपको प्रो बना दूंगा या एट द एंड ऑफ द लेक्स यू विल बी मतलब मेरे को सब कुछ आता है ना

मोदी जी को राहुल गांधी जी को उनको देखने दो दे। उनका अपना काम क्या है इधर तुमको क्या करना है हिंदू मुस्लिम में तुमको इंटरेस्ट है किसी को नहीं अपने को इंटरेस्ट में में बिजनेस बिजनेस तो वाला चीज पढ़ते जाना तो प्रेफरेबली फिजिकल न्यूज पेपर लगाते हो कुछ नहीं किया तो प्लीज सिर्फ मंडे को दिन चार या पांच रुपए का पेपर आता है ईटी वेल्थ इकोनॉमिक टाइम्स का एक वेल्थ ईटी वेल्थ करके एक सप्लीमेंट आता है तो मंडे का ईटी e. वेल्थ का जो सप्लीमेंट है वो प्लीज फिजिकल परचेस करना नहीं पॉसिबल है तो वो ऐप के ऊपर भी आता है वो ऐप तो फ्री रहेगा ऐप के ऊपर पीडीएफ आता रहेगा किधर भी वो देख लेना तो स्टार्ट रीडिंग क्योंकि जब आप बिजनेसेस पढ़ना चालू करोगे वहां पर पर्सनल फाइनेंस का चीज आएगा कुछ बिजनेसेस के एनालिसिस आएगा थोड़ा बहुत आपको ये पता चलेगा कि आप जो सीख रहे हैं वो एप्लीकेशन ये मैंने जो सारे इधर फोटो दिखाया ना ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये कहीं ना कहीं तो दिए हो मेरे को भी याद नहीं रहते और मैं यही एग्जाम्पल इसमें से हार्डली एक दो एग्जाम्पल रिपीट हो जाएंगे बाकी सारे एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे नहीं रहेंगे क्यों आई डोंट मैं कोई यहां पर रट्टा मार के नहीं आता हूं मेरे को नहीं मालूम मैं आज क्या वाला हूं। अब ले मतलब कोई भी तुम मेरे को कोई भी बोलो, तीन कोई भी बोलो, मैं कोई भी, भी सब्जेक्ट uh, हो गया कोई भी चैप्टर हो गया हम आराम से कंप्लीट uh, कर सकते तो आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू एज इन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यू शुड ट्राई टू सीक एट द मोस्ट ज एज पॉसिबल फ्रॉम मी अगर आप नहीं सीख करोगे तो obviously मुझे भी मोटिवेशन नहीं रहेगा मैं भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर इंप्रूव नहीं होना चाहते बच्चों को अगर सिर्फ अकेडमिक नॉलेज ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा फिर सिर्फ वही अकेडमिक नॉलेजा जिसके लिए तुमको मतलब तो अगर सिर्फ अकेडमिक तो मैं सिर्फ अकेडेमिक नॉलेज दे दूंगा ना कोई दिक्कत नहीं यार नेक्स्ट डाउट वॉन्ट एज मनी डाउट एज पॉसिबल प्रेफरेबली मैं जब कंसेप्ट खत्म करेगा तो मैं पूछेगा डाउट किसको प्लीज हाथ ऊपर करके क्लास में डाउट पूछना मैं थोड़ा हूं. Reply मैं कैसे देता हूं उसके ऊपर प्लीज मत जाना अच्छा डाउट है तो मैं जेन्युनली उसको अच्छा बोलेगा कम बार बोलेगा लेकिन बोलेगा घटिया डाउट है या कुछ तुम ऐसा फालतुगिरी कर रहा है आंसर देगा लेकिन तेरे को याद दिलाएगा जिंदगी में तुने कैसे थिंकिंग गलत किया था आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट मैं तुमको गधा बोलेगा गी बोलेगा या जो भी बोलेगा बच्चे बच्चे में नॉर्मली मैं लड़कियों को ज्यादा बोलता नहीं 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 बोलते हैं थोड़ा तुम बायस बायस होते हो बाबा ऐसा कोई गधे के अंदर गधी भी रहती है सो मैन इंक्लूड सुमन सो तुमको मैं कुछ बोला इट इज नॉट इट इज नेवर एवर अ पर्सनल कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इट इज बेसिकली टू मेक यू रिमेंबर कि भाई तुम ऐसा बेसिक में मिस्टेक कर रहे हो वर्किंग में आप लेकिन डाउट मेरे लिए फालतू हो सकता है लेकिन तुम्हारे लिए वो डाउट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज फालतू का डाउट आ गया तो भी पूछना गाली खा लेना गाली खा के के भूल जाना राइट क्योंकि फिर मैं ऐसे 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 बन के, हाँ, ओके बेटा नहीं करते है ये करते हैं वो चाटूगिरी मेरे से नहीं होगी वो चाटुगिरी बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि धंधा है तुमसे पैसा लेना है तो पहले डेमो है तो तुमको प्यार से ऐसे बोलो ये करो और फिर तुम डूब मरो ऐसा मेरे से नहीं होगा चाटुगिरी एक भी दिन नहीं होगा हम मतलब फालतू का कुछ भी ये करने का नहीं तुम जेन्युइन डाउट है बिंदास पूछो तुम्हारा डाउट अच्छा रहा मैं अच्छा बोलेगा गलत है तो गलत बोलेगा ऑनलाइन पब्लिक तुम्हारे डाउट्स है तुमको टेलीग्राम का ग्रुप का एक्सेस रहेगा या व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा तुमको वो जहां कहीं तुमको पूछना है व्हाट्सएप टेलीग्राम जो कहीं पूछना है पूछ लेना प्रेफरेबली क्लास में पूछ लेना क्लास में तुमको अच्छे खासे पनिशमेंट्स भी मिलेंगे

उठक बैठक मारने का ऑब्जेक्टिव क्या है याद रहे कि यार साला इतना बेसिक में हमने किया uh, था या बहुत बेसिक प्रिंसिपल था बहुत का होगा costing होगा FM होगा जहां कहीं होगा उठक बैठक मारने का पहले थोड़ा शर्म आएगा इतने सारे बच्चों के सामने यार हमारी इज्जत जा रही है लेकिन एक बार इज्जत लूट गई ना थोड़ी दो तीन बार उसके बाद कुछ नहीं लगेगा ये बेश को पूछो कितनी बार उसने उठक बैठक मारा कितनी बार काउंट है तेरे पास कुछ कितना बहुत बार मतलब ज़्यादा। मतलब कि कोई बच्चे को मैं uh, बिना के ना छोड़ू। मैं भी तुम्हारे साथ कभी-कभी कर so, ये है, so, it should be like a family environment. तुमको जितना डाउट पूछना है पूछना चाहिए लेक्चर्स के प्रेफरेबली लेक्चर्स के अंदर नहीं छह बजे के बाद लेक्चर रहता है थोड़ा बहुत टाइम तक मैं रुकूंगा तब तक आप पूछ सकते हो उसके बाद मेरे को जिम जाना रहता है मैं अभी थोड़ा पिछले महीने में दिन बंक मैंने, लेकिन चालू किया है मैंने बॉडी बिल्डिंग नथिंग नथिंग ऑफ दैट सॉट बेसिकली यू शुड फिजिकल एक्टिविटी मैं करते रहना चाहिए इसलिए हाँ कभी लगा तो मैं तुमको सिंहगढ़ लेके जाऊंगा पिछले मैच को मैंने प्रॉमिस किया था एंड तक मैंने फुलफिल नहीं किया हर रोज मैं सोचता था साला नीचे उतरना ऊपर चढ़ना ठीक है एक बार नीचे उतरने में बहुत बार गिरते हैं तो अगर मेरे को ऐसा कभी फीलिंग आया कि मैं आज चढ़ सकता हूँ और उतर भी सकता हूँ दोनों कर सकता हूँ तो मैं तुमको एक हाथ दिन हम सीगढ़ जाएंगे गारंटीड नहीं है मैंने पास ट्रैक रिकॉर्ड आपको ऑलरेडी बोल दिया पहले मैं ऋषभ सर को एक बार लेके एक दो बार लेके गया था तो दोनों बार वो गिर गए वो नहीं आए बाकी बाकी वो नहीं सीगढ़ रिस्की वाला रहता है थोड़ा मतलब गिरने का तुम लोगों को ऐसा रिस्क नहीं है But कैसा मेरा थोड़ा वजन कम है तो हड्डी वगैरह टूट सकती है सो so, पॉइंट मैंने बोल 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 दिया 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 डाउट्स आपको आपको ये बुक्स तीन अकाउंट्स के अंदर तीन मॉडल्स है कलर वाले मॉडल्स है आजकल एक बच्चा कलर वाला मॉडल एंड ऑल दिस थिंग दैट्स अ बुलशिट क्रैप कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट तुमको अगर फर्क पड़ता तो कलर वाले अपने तीन अलग अलग मॉडल्स है अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें मैं कवर करना चाहता हूँ सो विद दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू टर्न डाउन अ सब्जेक्ट बट ये भाई साहब जो है इन्होंने बोला सर मुझे कुछ बात करना है नए बच्चों से तो तुम्हारे सीनियर है उस, उसने मैं, मैंने उसको कुछ बुलाया नहीं वो अभी आके मुझे बोला कुछ बात करना है सर दो मिनट के लिए तो ही इज फ्रॉम द प्रीवियस बैच गुड आफ्टरनून पीपल

This mindset. Uh, I said, okay. I stayed there for five minutes and I uh, watched what he's doing. Then I realized that he was using the DCF approach and he was making a statement, which we learned in the foundation and also in the intermediate as well. So I saw there and then I asked him, uh, how did you estimate this cash flows and the difference between the cash flows? What is the growth rate did you consider? And uh, what is the probability of growth that you're considering? He was like, how do you know all this? And then for a good 15 minu uh, 20 minutes, we had

Uh, and sitting in the class so very firstly you should sit in the class uh, what i mean by that is you should attend more and more offline classes of course it's if it's feasible for you but if you sit in the class you like know people around you you will have a network you will uh, develop connects and sometimes degrees don't get you where connect can get you so you will develop more people which would help you identify people uh, what kind of people are there throughout us and so basically you should just try to attend more and more offline classes.

एंड सेकेंडली ये राइटिंग से सर तुमको बोलते रहेंगे कि मेक दिस नोटबुक आई विल गिव यू बैच के एंड कुछ दिया नहीं हम लोग ने एफ एम कॉस्टिंग और अकाउंट मिलकर फिफ्टीन टू सिक्सटीन हंड्रेड पेजेस लिखा रहेगा कुछ भी दिया नहीं हम लोग को सो बेसिकली जस्ट कीप राइटिंग इट्स नॉट फॉर द कंसिडरेशन दैट ही इज गिविंग बट फॉर योर ओन गुड आफ्टर एग्जाम वेन यू विल हैफली वन मंथ यू विल हैव टाइम टू रिसर्च ऑन दीज कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बस यही एंड जस्ट स्टे कॉन्सेंट्रेटेड इन द लेक्चर लाइक हम लोग बहुत मस्ती करते हैं हाँ मेजर पॉइंट वेर वी आई थिंक वी फेल्ड एज अ बैच वेर कि हम लोग बातें बहुत ज्यादा करते थे तो सर यूज टू गेट इरिटेटेड वट है इज लाइक ही टेल अ कॉन्सेप्ट का मर्मरिंग सुन के हू यूज टू गट इरेटेटेड दट क्वाइट ऑब्वियस लाइक इफ यू आर टॉकिंग एंड सामने से पीपल आर टॉकिंग समथिंग एल्स इट्स लाइक बात करना है बाजू वाले से पड़ोसी के नोटबुक लिख देने का हम लोग वैसे ही करते थे तो उसको मत पता चलने बट जोक पढ़ ऑब्वियसली ऑफलाइन आ रहे तीन घंटा शान कैसे बैठेंगे तो ऐसा जोक बता देने का उसको बट आवाज नहीं करने का हाँ तो सर को ऐसा आवाज नहीं हुआ आई रियली रियली मेन इट लाइक द नॉलेज ही वुड गिव यू इज वर्थ

हेलो हेलो सो ठीक है अभी मुझे पता चल गया तुम जो <laughs> <laughs> बातें करना है कर मैं लिमिट में रहना चाहिए एक लिमिट क्रॉस करेगा तो मैं तुमको ऑब्वियसली मैंने तुमको बोला कि मैं चाटुग्री वाला पर्सन नहीं हूं तुमने अच्छा किया मैं तुमको अच्छा बोलेगा तुमने टाइम पास किया ये किया मैं तुमको चिल्लाऊंगा बिकॉज दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर आई शुड ट्राई टू चेंज यू आई शुड नॉट ट्राई टू लाइक Uh, uh, like सुनोगे तो पासिंग का चांस मार्क्स जो है मार्क्स तो तुमको आएंगे मैं सिर्फ तुमको मार्क्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुमको ये लिख के देता हूँ पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा अपना ही रहेगा कोई आजू बाजू भी नहीं आएगा पासिंग परसेंटेज के अंदर

set of mind like some skill sets with you on the basis of which you can do a job or you can do some business or you can do some living in the life on your own. course, even if you fail, even if you cannot complete the course, you will have a treasure of knowledge with you on the basis of which you, you can do something in the life. you can do something. obviously, i don't want anyone to fail, nor you people want to fail. पढ़ाई जब कर रहे ना तो वो स्ट्रेस में मत रहो कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा पासिंग के लिए ही पढ़ाई करना है सारे लेक्चर्स प्लीज प्लीज जो बच्चे पुणे में हैं फेस टू फेस अटेंड करना फेस टू फेस बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा अच्छा एज कंपेयर टू ऑनलाइन ऑनलाइन तुमको खुद डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा तुम्हारे को मॉनिटर करने के लिए मैं तो नहीं आ सकता आप माँ बाप भी कितने एक लेवल तक मॉनिटर कर सकते हैं बैकलॉग प्लीज क्रिएट मत करो कोई भी सब्जेक्ट में

सलाई तो नहीं तो ठीक है मैं बोला नहीं तुम एक्टिविटी करेगा क्या करेगा क्या कुछ नहीं मैं बैठेगा मेरे को थोड़ी यहाँ पे मैं थोड़ी जॉब कर रहा कि मैं तुमको पूछ के बच्चों से, से तुम तुम कंडीशन पे आए हो कि तुम अभी मरने वाले ही हो या तुम कुछ चल ही नहीं सकते हो या डॉक्टर ने बोला कुछ करो ही मत डॉक्टर ने बोला मतलब तभी करेगा बुखार हेडेक सर दर्द ये मेरे डेफिनेशन में बीमारी नहीं है

मत करना स्टाफ को रखा है स्टाफ वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी तुम्हारे डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं नोट्स वगैरह तुमको मिल जाएंगे एक दो दिन में वो कलेक्ट कर लेना तब तक वो टेलीग्राम का ग्रुप बना होगा उस पर पी वगैरह कोई चैप्टर का शेयर किया होगा चलो और कुछ नहीं एनी वन इफ़ एनी वन वॉन्स एनी काइंड ऑफ डाउट पूछो नहीं तो हम टेक्निकल चीज़ों पे बात करके और कोई टाइम पास करने का जरूरत नहीं आधा घंटा हमने ऑलरेडी वेस्ट कर लिए और कुछ गाना भी ना चाहिए किसी को चाहिए हाथ ऊपर करो गुड अच्छा है ये डर बना रहना चाहिए so concepts ले लो बच्चों तुम इसने जो बोला ना तुम लिखते रहो सिर्फ मैं जो बोलता हूं ना सिर्फ लिखते जाओ लिखते जाओ तुम्हारा दिमाग और ये प्रोसेस जो है ना वो स्लो होगा ये प्रोसेस कोई ऐसा फास्ट प्रोसेस नहीं कि आपको एक दिन में सारी चीजें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे स्पेशली जो बच्चे नए हैं जो बच्चे पहली बार मेरे को सुन रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने के लिए छह सात दिन या आठ दस दिन लग सकता है तुमको एडजस्ट होने में बट एक बार तुमको लत लग लेना तुम दूसरा किसी को जिंदगी में सुन नहीं पाएगा क्योंकि तुमको वो जेन्युन नॉलेज क्या है उसकी लत लगनी चाहिए और वो एक बार आदत लग गई तो बात खत्म हो गया सो हम बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं सिलेबस अकाउंट्स का सबसे ज्यादा वास्ट है अब तक क्या होता था ओल्ड सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने दो अकाउंट्स रखे थे ग्रुप वन एक अकाउंट था और ग्रुप टू में एक अकाउंट थाउंट्स कर दिया कुछ चैप्टर्स डिलीट किए लेकिन कुछ चैप्टर्स एड भी किए ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए सो इट इज नॉट एंटायर एडिशन बट आई विल से दोनों का अगर हंड्रेड ग्रुप वन था और हंड्रेड ग्रुप टू था तो अभी का जो सिलेबस है इज रफली 160 टू 170% percent. कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए कुछ चैप्टर्स ऐड हो गए तो सिलेबस इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा वास्ट करके रखा है मार्क्स उतने ही हंड्रेड मार्क्स ही है अब आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स 70 मार्क्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स आर एमसीक्यू एमसीक्यू आंसर करने के लिए यू नीड टू नो दैट पर्टिकुलर कांसेप्ट इन डेप्थ बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर Concept है तो ही आप एमसीक्यू आंसर कर पाओगे जस्ट बिकॉज एमसीक्यू है आप ये अज्यूम मत करना कि बहुत इजीली मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे कोई भरोसा नहीं है डोंट गो अंडर दैट कि एमसीक्यू मतलब तीस तो अपना ही है यहां पर इंटरमीडिएट में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फॉर श्योर sure अगर आ भी नहीं रहा है तो भी कुछ तो तुक्का लगा के आप आ सकते हो बट यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली मार्क्स का पेपर है डिस्क्रिप्टिव वाला और 30 मार्क्स का एमसीक्यू इट में बी थर्टी एमसीक्यूज इट में बी ट्वेंटी एमसीक्यूज इट में बी सेवनटीन एमसीक्यूज कितने एमसीक्यूज आएंगे वो इंस्टीट्यूट बोलेगा मतलब वो पेपर बाय पेपर कॉन्सेंट नहीं रहने वाला एमसीक्यू का पेपर अवेलेबल नहीं होता है आई होप यू नो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन लास्ट नो बडी नोट्स क्वेश्चन डो नॉट गेट रिपीटेड इन एमसीक्यूज नॉर्मली क्वेश्चन डो नॉट गेट रिपीटेड इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नए नए पुटअप करते रहता है रिपीटेशन छह सात अटेम्प्ट के बाद हो सकता है लेकिन तुमको उतना देने का नहीं है

पहला ये वेटेज दिया ही क्यों है वो भी मेरे को डाउट लगता है क्यों 55 फाइव टू परसेंट वेटेज फॉर वॉट फॉर वन चैप्टर नो वन सेक्शन कवर्स स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन छोड़ दो बट अंदर के कितने केन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिलीटेड है इसलिए नहीं है सेवन एट डिलीटेड है इसलिए नहीं है सेवन नाइन टेन इलेवन टर्टीन

मिला के वेटेज 55 टू 65 परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज 100 पेपर आएगा आपका लगभग लगभग 120 मार्क का ये जो वेटेजेस है ये वेटेजेस 120 के हिसाब से है तो हायर एंड पे लोअर एंड पे उनका 80 टू 120 का रेंज है तो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर वॉट ऑल अकाउंटिंग आर फॉर वन हंड्रेड एंड जस्ट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी उसके एडिशन में फिर तुमको दूसरा सेक्शन है पार्टनरशिप फॉर्म right? बराबर की नहीं तुमने क्या सीखा ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट जैसा जी में आए वैसा लिखते गए तुम लोग सर,

शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इतना बेसिक चैप्टर था लेकिन इनशूट ने ऐसा मस्ट टाइम पास करवाया ना तुमसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऐसा रिफंड वगैरह कुछ होता नहीं है क्योंकि जो नए बच्चे हैं, तुमको टीचर ने बोला नहीं होगा मुझे पर गारंटी है देर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी मैंने तुमको जो बच्चा फाउंडेशन में तुमको बोला रहेगा ये सिलेबस तुम्हारे दादाजी जब सीए कर रहे तब बना हुआ है इंस्टीट्यूट अगर सुन रहे कोई लोग तो प्लीज थोड़ा सुधर जाओ 2008 में हमारे कंट्री में रूल्स चेंज हो चुके हैं देयर इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट तो कंपनी को पैसा आता ही नहीं है पैसा जितने शेयर्स अलॉट किए उतना ही पैसा आता है तो रिफंड करने का सवाल ही नहीं आता

तो हम 280 को क्या बोले सिक्योरिटी प्रीमियम और दस रुपए को क्या बोले फेस वैल्यू जबकि सच में एंटायर टू इज यूर कैपिटल वो पूरा पूरा का -पुरा तुम्हारा कैपिटल है यार कैपिटल है लेकिन हम लिखने के लिए दस रुपया कैपिटल लिखते हैं टू एटी रुपीज को हम क्या लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं बराबर ये इश्यू का था इसका एग्जैक्ट अपोजिट आएगा बायबैक बायबैक में क्या करेगा कंपनी तुमको पैसा दे देगा और शेयर्स तुमसे खरीदेगा और कैंसिल करेगा वो शेयर्स सो so, क्यों करता है कंपनी ऐसा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग आपके सिलेबस में बाय बैक का क्या है सिर्फ अकाउंटिंग है तो यहां पे फॉर्चुनेटली एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसी चीजें नहीं है तो बाय बैक का अकाउंटिंग है बट पैसा कमाने का मौका भी अच्छा होता है कभी कभी कंपनीज ना फाइनेंशियल स्ट्रेस में चले जाते हैं पॉसिबल है ह्यूमन बींग भी आप जैसे स्ट्रेस में चला जाता है कुछ कुछ कंपनीज को तो उसकी वजह से वाइंडिंग अप करना पड़ता है धंधा बंद करना पड़ता है लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में स्कोप रहता है कि उस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है उस कंपनी को हम रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं लाइक पतंजलि नाम सुना पतंजलि आयुर्वेदा करके जो कंपनी अभी लिस्टेड है वो बेसिकली इज नथिंग बट बटल कंपनी कॉल्ड रुचि सोया रुचि सोया करके एक कंपनी था एडिबल ऑयल बनाता था बहुत पॉपुलर था लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल में चला गया रामदेव जी बाबा ने उनको टेक ओवर कर लिया उसका रिकंस्ट्रक्शन कर लिया फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड उसको पतंजलि के बिजनेस के साथ उन्होंने मर्ज करके आज एक सक्सेसफुल कंपनी क्रिएट हो गया और बहुत तो अच्छा काम कर रहा है एफएमसीजी सेक्टर में एच वगैरह को परेशान करके रखा है उसने बाबा ने मतलब बहुत बाबा और ये सब कुछ रिकमेंड करने वाला बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है किसी दिन क्लास में बुलाऊंगा ललित भोप ले करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है पुणे से ही है

बट ये सुनने से क्या होगा ना आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जो मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई तो वैल्यू है ये सारे चैप्टर्स तीस से पैंतीस मार्क शेड्यूल थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय बैक एंड वॉट रिकंस्ट्रक्शन इज फॉर थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स सेक्शन नंबर टू एंड सेक्शन थ्री इज अ ब्रांच अकाउंटिंग बिजनेस के ब्रांचेस हो सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने के लिए तो अलग अलग ब्रांचेस है तो हर एक ब्रांच का मुझे प्रॉफिट अलग पता चलना चाहिए या ब्रांच की मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलनी चाहिए इसके लिए हम ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे कुछ ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है तो उसका जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो शायद डॉलर में चलेगा या तुम्हारा दूसरा पाउंड में चलेगा यूरो में चलेगा उसको आपको आई में ट्रांसलेट करके क्या करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं तो वो चैप्टर पांच से दस मार्क के लिए आएगा या

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 55 टू 65 मार्क्स तो चलो पहले सिलेबस लिखो पहला चीज बहुत अच्छा तीन पार्ट हम इतना नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे हम सेक्शन ये पहले आपको याद रहना चाहिए तो कहा ये क्यों बोल रहा हूं कहां पर वेटेज कितना देना है वो समझ में आना चाहिए सेक्शन टॉपिक्स एंड व्हाट मार्क्स का रेंज क्या है सेक्शन वन में क्या कवर किया हमने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए क्या कवर किए बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बेसिकली रूल्स है अकाउंटिंग करने के कितने मार्क्स हो गए उसके 55 फाइव टू सिक्स मार्क्स इज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेक्शन टू में आपका आएगा कंपनी अकाउंट्स उसमें क्या क्या आया बच्चों उसमें आया तुम्हारा शेड्यूल थ्री आया फिर आया तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर तुम्हारा आ गया बाय एंड रिकंस्ट्रक्शन मात्र चार टॉपिक अब इसमें से भी ये जो अकाउंटिंग है ना इसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे जहां पर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है दस से पंद्रह मार्क का क्वेश्चन आएगा लाइक देर आर फ्यू स्टैंडर्ड्स वेर देर विल बी इट इज नॉट पॉसिबल टू

बाकी के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पांच पांच मार्क के लेकिन सबके ऊपर को मालूम नहीं रहता तो प्लीज ऐसा सिलेक्टिव स्टडी मत करना कि अच्छा ये स्टैंडर्ड नहीं आएगा ये नहीं आएगा लेकिन इसका मतलब क्या है अगर आपका कोई स्टैंडर्ड ठीक से नहीं हुआ या कोई चैप्टर आपका परफेक्ट नहीं हुआ और आपको डर लग रहा है तो क्या कि जो चैप्टर आपने आपका अच्छा नहीं हुआ है वो क्वेश्चन आई ना या आ या एक, के एक दिन पहले सारा चीज पढ़ के हो जाएगा ऐसे जरूरी नहीं है तो ठीक है तो ये रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कितने मार्क्स का था सेकंड सेक्शन कितने मार्क्स का था तुम्हारा 30 से लेके 35 मार्क्स तक सेकंड सेक्शन था थर्टी टू थर्टी फाइव और थर्ड सेक्शन क्या है तुम्हारा बोलो ब्रांच अकाउंटिंग बस पहले डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके था वो चीज निकाल दिया इंस्टीट्यूट ने ब्रांच अकाउंटिंग ही कवर्ड है सिर्फ वो है पांच से दस मार्क को कवर तो लोअर एंड का अगर मैं टोटल लू तो नाइनटी ही होता है लोअर एंड का टोटल नाइनटी होता है और अपर एंड का टोटल लू तो हंड्रेड एंड टेन होता है दैट इज रफ इंडिकेशन ऑफ द मार्क्स इससे फायदा क्या हुआ कौन सा चैप्टर पे कितना फोकस करना है ये स्टैंडर्ड्स में तो कर, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बाकी चीजों पे सबसे ज्यादा श्योर मार्क कहां पर है सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री जो है वहां पर तीस से पैंतीस मार्क है और ये ऑलमोस्ट यहां पर है. और ये स्टैंडर्ड्स में से जो स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं मतलब जहां पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन विच विल डील विदालमेशन दो बिजनेसेस का शादी होता है दो बिजनेसेस मर्ज होता है

बैन लगा दिया है तो दे नीड समी एल सेवर पेटीएम और अगर आरबीआई ने अलाउ किया तो कोई अलाउ होगा नहीं होगा भगवान जाने उनतीस फरवरी तक कुछ तो हो जाएगा ये मंथ में ही कुछ तो हो जाएगा नहीं तो पेटीएम का गया उसका दुकान बंद तो नहीं होगा चलेगा बट बहुत ही चिल्लर वैल्यू पे रहेगा बट इफ एट ऑलर कंपनी या चलो अभी इंडस्ट्रीज ने डिज्नी को ओवर किया डिज्नी हॉटस्टार का जो इंडिया का बिजनेस है दैट इज बिंग टेकन ओवर बाय रिलायंस प्लस अभी और टाटा प्ले के अंदर भी वो एक्विजिशन का सोच रहे टाटा प्ले अपना मतलब छोड़ गया स्काय वॉज अ फ्रॉम ब्रिटिश तो अगर ऐसा बिजनेस का मर्जर हो गया दो बिजनेस एक साथ आके मर्ज हो जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कभी कभी दो मर्ज नहीं होते लेकिन यू बाय द मेजोरिटी शेयर ऑफ अदर कंपनी और वो कंपनी को आप सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करते हो अपने फाउंडेशन में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन हो गया अच्छा क्वेश्चन आया था लॉ के पेपर में बस बजाई थी सो है पेपर तुम्हारे लॉ so, तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या है अ कंपनी विच कंट्रोल्स वॉट अनादर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग एंड दैट अनादर कंपनी इज नोन एज सब्सिडियरी कंपनी समझ में आया तुमको अ कंपनी कंपनी कंट्रोल्स अनादर होल्डिंग तो सिचुएशन वन क्या है दोनों कंपनीज ने दुकान बंद कर दिया और मिलके एक नया कंपनी किया या एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया तो फिर हम उसको बोलते हैं अमाल गमेशन. क्या बोला Amalgamation. Amalgamation में क्या होता है? टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। बी वाइंड अप हो गई और बी का पूरा का पूरा धंधा या पूरा का उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो एस फोर्टीन में कवर्ड है बट मैं कहानी में ट्विस्ट करता हूं दिस hey, हुपल who किसने किसको खरीदा ए ने बी को खरीदा बी को वाइंड अप कर लिया और का जो बिजनेस है ए ने टेक ओवर कर लिया अब मैं कहानी में कुछ ट्विस्ट करता हूं ए बाइज बी बट डॉट वाइंड बाइज ने क्या कर लिया बी के 70% परसेंट शेयर खरीद लिए बी के शेयर होल्डर्स ने या नए शेयर इश्यू हो गए हो गए किन बी तो ए ने क्या किया बी को वाइंड अप किया क्या क्यों नहीं किया

उट वैल्यूएशन गैप्स तो दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क यह है कि यहां पर बी लिमिटेड का वाइंडिंगअप हुआ और बी लिमिटेड का बिजनेस किसने टेकओवर किया ए लिमिटेड ने और दूसरे केस में क्या हुआ ए ने बी के क्या कर लिए शेयर खरीद लिए तो बी कौन बन गई अरे बोलो बी बन गई सब्सिडी ए क्या है होल्डिंग कंपनी बन गई अब जो होल्डिंग कंपनी रहती ना उसको दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए लिमिटेड को खुद का जो पी एल बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ए को खुद का जो बिजनेस बिजनेस तो रहेगा ए को बी के बिजनेस में से भी कुछ मिलने वाला है कितना सेवनटी परसेंट तो ए लिमिटेड को क्या करना चाहिए बी का जो बिजनेस है उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है और एक दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे एक होगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड मतलब ओन बिजनेस प्लस सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज कहां पे लेगा एक ही बच्चा पैदा करो सब्सिडरी बच्चा होल्डिंग पप्पा क्या एक से ज्यादा हो सकता है यहां पे कोई लिमिट नहीं है

होल्डिंग उसका एक बच्चा उस बच्चे का और एक बच्चा अब वो बच्चा और एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता लेवल दो लेवल पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है बोलेंगे ऐसा क्यों बहुत सारे लोग ये सब्सिडरी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करके मनी लॉन्ड्रिंग करते थे क्या करते थे मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल मनी जो होता है उसको यहां वहां घुमाते थे तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाए बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है क्यों ये रेगुलेशन में अगर तुमने सब्सिडी फॉरिन कंट्री में फॉर्म की तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आता फिर क्यों हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक अ लॉ फॉर वॉट इज गोइंग टू हैपन इन कंट्री हमारे पास ऑथोरिटी नहीं है ना तो फिर लोग क्या करते हैं दो से ज्यादा बच्चा पैदा करना है तो बाहर जाओ <laughs> लेयर लेयर दो से ज्यादा लेवल तुमको अगर क्रिएट करने हैं तो एक सब्सिडी इंडिया के बाहर क्रिएट करो और फिर उससे करते रहो इससे कॉम्प्लिकेशन अकाउंटिंग में बहुत बढ़ता है क्यों हाउ टू डू को उनका जो यूएस का बिजनेस है उसके लिए अलग सब्सिडरीज है यूरोपियन बिजनेस के लिए अलग सब्सिडरी करके रखा है उन्होंने तो मल्टीपल सब्सिडरीज यस यू कैन मेक अ मल्टीपल सब्सिडरीज एब्सोल्युटली नो डाउट तो अगर तुमने मल्टीपल सब्सिडरीज किए तो ये

ज्वाइंट वेंचर बनता है और मोर देन फिफ्टी आ गया तो होल्डिंग सब्सिडरी होता है तो इन तीनों का कंसोलिडेशन करना होता है तीनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है सब्सिडियरी के लिए ए एस ट्वेंटी वन है असोसिएट के लिए एसोसिएट का शॉर्ट फॉर्म मत लिखना असोसिएट के लिए ए एस ट्वेंटी थ्री है पूरा फुल फॉर्म लिखना आधे गधों को वो भी नहीं समझा वही तो बोला जोक समझने के लिए तुमको लेवल लगता है ए एस ट्वेंटी सेवन में क्या आता है जॉइंट वेंचर आता है ये जो स्टैंडर्ड्स है ना मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड्स पे आएगा क्वेश्चन तो दस से पंद्रह मार्क का क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन okay, आते हैं और एक स्टैंडर्ड जहां पर इंस्टीट्यूट ने पास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर ए एस थर्टीन तो बेटा ए एस फोर्टीन एक फिर ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट दो और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का तीन ये तीन बड़े कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग बोलो बोलो वापस अमालगमेशन कंसोलिडेशन एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग थर्टीन वाला है जो है ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा में पैसा लगाया तो अकाउंटिंग कैसे होगा रियल स्टेट में लगाया तो क्या होगा म्यूचुअल फंड में लगाया तो क्या होगा तो उसका अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो कहां पर कवर्ड है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन तो बड़े तीन स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे सिलेबस में अमालगमेशन अकाउंटिंग दैट इज मर्जर का अकाउंटिंग फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इंट्रोडक्शन आएगा आपको कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन एंड तीसरा क्या बोला बनो? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ऐसे तीन अलग अलग क्या वा? ये जो तीन स्टैंडर्ड ना मेरे हिसाब से ये तीनों लगभग लगभग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव मार्क्स यही खा लेंगे पेपर के अंदर बड़ा क्वेश्चन आएगा तीनों पे आ सकता है दो पे आ सकता है कैसे वो प्रोडिक्स मैं नहीं करूंगा कभी भी नहीं करूंगा वो प्रशन तुमने भी कभी करना नहीं चाहिए सर पिछले पेपर में ये आया था अभी ये चैप्टर नहीं आएगा ये आएगा ऐसा प्लीज प्रोडिक्शन मत करना सीए कोर्स है रिस्क लेनी है तो डेरिवेटिव मार्केट में आओ उधर रिस्क ले लो नंगा कर देंगे तुमको इधर रिस्क नहीं लेने का इधर बिल्कुल रिस्क लेने का करियर के साथ रिस्क नहीं सारे चैप्टर्स इज्जत से पढ़ के जाने का बिल्कुल Uh, मतलब ऐसा ये मैं ऑप्शन को छोड़ता क्यों? क्योंकि पचपन साठ में से क्या आएगा? पच्चीस से तीस मार्क्स ये आ गए तो बाकी के जो वो आएंगे तो मेरे मार्क 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 को खेलेंगे मार्क, 10 मार्क, ऐसा कुछ भी करेंगे क्या समझा तुमको बहुत बड़ा है कितने, कितने चैप्टर हो गए ये इधर हैन टू ट्वेंटी नाइन लेकिन उसमें से दो डिलीटेड है मैंने बोला था तो रह गए प्लस 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 यहां के चार ये एक तो तुम्हारे चैप्टर्स हो गए थर्टी टू चैप्टर्स पहले एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू तो अकाउंटिंग वो कर लिया एड तो थर्टी थ्री स्टैंडर्ड्स और थर्टी थ्री चैप्टर्स सिर्फ वास्ट है मुश्किल का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा है मेरे को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए छह घंटा लगेगा मतलब तुमको छह घंटा सिर्फ सुनना है एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सिर्फ सुनते जाना है अब वहां पर दिक्कत आती है बच्चा का है ना बच्चे को ये कप, बच्चा सुनने को इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चों को चाहिए सिर्फ मेरे से क्या कर ले तू प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा ले तुम अगर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में रहोगे मैंने जो सॉल्व किए वही क्वेश्चन आ गया तो ही तुम सॉल्व कर पाओगे मैं एग्जाम में ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं जो सॉल्व करूंगा वही चीज एज इट इज एग्जाम में आएगा एग्जाम में ट्विस्ट होके आता है पेपर बहुत बार बहुत बार आता है एंड देट इज वेयर माई जॉब इज टू मेक यू रेडी टू फेस सम क्वेश्चन विच कुड बी डिफरेंट देन वॉट इज टॉट या एमसीक्यू जो है वो तो मुझे मालूम ही नहीं है कैसे आते हैं पता भी नहीं चलेगा तो मैंने नहीं एग्जाम दिया ना दूंगा हमारे टाइम पे नहीं थे एमसीक्यू तो एमसीक्यू के लिए आपको प्रिपरेशन क्या करना है यही अलग से कोई प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है यही आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि कैसा बॉल वो डालेगा एग्जामिनर क्या गुगली फेंकेगा नहीं मालूम ना मुझे तो बच्चे को सुनने का आदत जो प्रॉब्लम मुझे दिखता है ना बच्चा सुनता नहीं है यार कॉन्सेप्ट सुनता नहीं और एक बार तुमने कॉन्सेप्ट सुन लिया ना तुम पागल हो जाएगा अभी शेड्यूल थ्री है शेड्यूल थ्री को मेरे को प्रॉब्लम पे आने के लिए छह घंटा चार पांच घंटा लगेगा मिनिमम चार पांच घंटा लगेगा ज्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू पीपल रिस्पॉन्ड वो सिर्फ सुनने की ना आदत डाल दो प्लीज ताली एक हाथ से नहीं बचती है ताली दो हाथ से बचती है एक हाथ मेरा है तुम्हारा हाथ मिलना चाहिए तुम अगर सपोर्ट नहीं करोगे तुम सुनोगे नहीं तुमको क्या लगता है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किया ना मैं बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करता हूँ सबसे पहले मेरा सिलेबस खत्म होगा क्योंकि ना मैं गाना गाऊंगा ना मैं फालतू का ड्रामा करूंगा ना मैं कुछ टाइम पास करूंगा ना मैं लेट आऊंगा ना मैं लेक्चर बंक मारूंगा कुछ नहीं करूंगा मैं सिलेबस सबसे पहले मेरा खत्म होगा कि मेरे पास दूसरा कोई स्किल ही नहीं है तुम यहां पर आए किस लिए हो सीखने के लिए आए हो तो सीखो ना अच्छे से सीखो तो सिर्फ तुम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा लेट मी टेल यू यू कैन नॉट पास इजीली यू विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास इफ यू आर जस्ट गोइंग टू डू व्हाट सॉल्विंग तो हम सिर्फ सॉल्विंग नहीं करेगा हम बहुत ज्यादा डेप्थ में हर चैप्टर को सीखेगा कुछ कुछ जगह पे जहां पर इंस्टीट्यूट ने इंट्रोडक्टरी रखा है वहां मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा ये पे भी क्लियरली बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्या लेवल पर रखे इंस्टीट्यूट ने इंट्रोडक्टरी लेवल पे रखे कंसोलिडेशन है कंसोलिडेशन के सारे टाइप्स तुम्हारे सिलेबस में रखे ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने तो वहां पर मैं तुमको क्लियरली बोलूंगा कि आई विल नॉट गिव यू एंटायर व्यू ऑफ कंसोलिडेशन इज क्योंकि वो टॉपिक सी पे वापस कवर्ड है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेवल पे कंसोलिडेशन रखा है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स का अकाउंटिंग जो होता है उसमें तुमको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेवल पे रखा है इंस्टीट्यूट ने तो जहां जहां इंट्रोडक्टरी है वहां इंट्रोडक्ट्री लेके हम थोड़ा आगे जाएंगे इसके साथ साथ मेरे को क्लासरूम में

ए एस फोर एस फाइव करेंगे तब exceptional items पड़ेंगे। कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स uh, में आते हैं जो रिकरिंग नेचर के नहीं रहते वहां पे तुमको ओपन करके दिखाना है मैं तुमको दूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करके कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यूज टू ओन द शेयर्स क्या कर दिए बेच दिए और शेयर्स बेचने से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट हो गया अब वो प्रॉफिट हर साल तो नहीं आएगा हर साल तो नहीं शेयर बेचेगा तुम अभी उन्होंने शेयर बेच दिए क्योंकि उसका आईपीओ आया था लास्ट ईयर दो में तो वो शेयर बेच दिए उससे प्रॉफिट हो गया ये प्रॉफिट हर बार होने वाला है क्या अरे बोलो ना क्यों नहीं होगा हर हर रोज तुम हर रोज आके तुम शेयर बेचोगे क्या ये नॉन रिकरिंग नेचर है ये एक्सेप्शनल आइटम है तो वो आइटम पीएनएल को क्रेडिट हो गया उसकी वजह से क्या हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया अगर कोई देखेगा से ये देखने के लिए हम एक वेबसाइट यूज करेंगे बहुत वेबसाइट यूज़ करने वाले। स्क्रीनर मैं आज थो क्योंकि थोड़ा जनरल तो के टूल्स में एक्सप्लेन करेगा हाँ, करता है बहुत बी एस सी लिमिटेड तो बॉम्बे स्टॉक अकाउंट सो जस्ट से मैं गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये स्क्रीनर करके के बहुत बेसिक एप्लीकेशन है फ्री वाला है मेरे पास ये पेड वाला लॉगिन है पेड वाले का जरूरत नहीं दूंगा अभी पेड वाला मैं तुमको लेक्चर्स में कभी बताऊंगा एंड आई लुक एट व्हाट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने देख लिया अब ये देखो सेल्स वगैरह आ गया इधर तुम्हारा नेट प्रॉफिट दिख, दिख रहा है तुमको दिख रहा है तुमको नेट प्रॉफिट कैन यू सी क्या दिखता तुमको अरे मार्च दो ये इधर प्रॉफिट का जम्प बहुत बड़ा हो गया ना ऐसे ये ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स लास्ट ट्वेल्व मंथ्स का प्रॉफिट कितना है ये पिछले बारह महीने का टी टी एम इज ट्रेलिंग ट्रेलिंग मतलब प्रीवियस ट्वेल्व मंथसियस ट्वेल्व पिछले बारह महीने का प्रॉफिट कितना है सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री क्रोर्स पिछले बारह महीने मतलब कौन से बारह महीने हो गए आज हम कौन से तारीख पे वी आर इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो विच आर दंथ फर्स्ट जानवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पिछले बारह महीने का, कितना है? 753 लास्ट का कितना था सिर्फ दो सौ करोड़। बच्चे को देखने के बाद कंपनी है, यार, क्या है? तीन गुना बढ़ तो अरे तीन, नहीं, तीन से भी ज्यादा दो सौ छह इंटू थ्री पॉइंट फाइव लगता क्या कंपनी ने बहुत कुछ तूफान किया होगा किया है बट इतना तूफान नहीं किया जितना तूफान यहां पर दिख रहा है ये तूफान क्यों दिख रहा है मतलब एक बच्चा था जो चालीस 45 परसेंट मार्क्स स्कोर करता था और उसको एग्जाम एक में डायरेक्ट परसेंट मार्क्स किया तुमको भी कभी मार्क्स ने स्कूल में।, में तुम्हारा वीकली टेस्ट या जो भी कुछ होता होगा तब ज्यादा मार्क्स आ गया तुमको मम्मी ने क्वेश्चन पूछा होगा उनको परफेक्ट मालूम है तो जैसे ही ये तुमको एक्सेप्शन दिखाटॉक यू शुड चेकअप अकाउंटिंग रूल्स कि भाई इसमें पहला चीज क्या है कुछ एक्सेप्शनल आइटम है क्या अगर वो एक्सेप्शनल आइटम है नॉन रिकरिंग नेचर का पहले मैं चेक करूंगा किधर है क्या हाँ इधर है अदर इनकम के अंदर एक्सेप्शनल आइटम इधर ये, इसे दिखा नहीं पीडीएफ में डाउनलोड करके आपको ये क्वार्टरली पीडीएफ आता क्वार्टरली रिपोर्ट्स में तो वहां पर आपको एक्सेप्शन आइटम मिलेगा दर इज एक्सेप्शन आइटम पर स्क्रीनर पे ब्रेकअप नहीं है टीटीएम का तो क्वार्टर्स में जाना पड़ता है इधर क्वार्टर किधर गया क्वार्टर क्वार्टर समझता ना पीरियड ऑफ थ्री हाँ बिफोर यू थिंक तो उसमें रॉ पीडीएफ जो अपलोड होता है वहां पे जाके आपको देखना पड़ता है विल अंडरस्टैंड ये वाला जून 23 का जो पीडीएफ था जून 23 430 करोड़ का उनके पास अदर इनकम है एक्सेप्शनल आइटम कितने अमाउंट का है दिखा क्या तुमको एक्सेप्शनल आइटम यह तुम्हारे सिलेबस में कितना करोड़ का है

इतना बड़ा जंप जो दिख रहा था वो जंप नहीं दिखेगा ना दैट जंप जंप विल बी लिमिटेड यस और नो सो मॉरल करते रहना क्लासरूम में मोबाइल यूज करना स्क्रीनर वगैरह एप्लीकेशन से बहुत सारे वो यूज करना पेपर मैंने आपको बोला मंडे का पेपर ए वेल्थ अगर पॉसिबल हो सकता है फिजिकल खरीदना नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना सोशल तो, मीडिया uh, को थोड़ा सा कम करो बंद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया कम कर सकते हो तो कम करो हवस की दुनिया से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो आई कैन अंडरस्टैंड बट कंट्रोल पढ़ाई करो अच्छे से और दो-तीन डाउनलोड करना मिंट करके एक न्यूज पेपर का एप्लीकेशन है मिंट वो करना मिंट चाहिए मुझे ईज हेड कैलकुलेटर करके एक चीज है वो डाउनलोड करके रखना हमें लेक्चर्स में बहुत बार लगने वाला है अकाउंटिंग करने के लिए मिंट वगैरह तुमने एक्टिव करके तुमने थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ना चाहिए चीज़े। अगर आप पुणे में रहते हो या टीयर वन सिटी में रहते हो तो मिंट आपका पेपर आजकल फिजिकल सब्सक्रिप्शन भी चालू हो गया उसका तो फिजिकल सब्सक्रिप्शन भी लगा सकते हो महीने का यार सौ दो सौ रुपये ज्यादा है मैक्सिमम अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिजिकल मिंट करके पेपर है या लाई मिंट करके एप्लीकेशन है मिंट तो आपके लिए उतना काफ़ी है एट योर लेवल और मैं एडिशनल चीज़ें जो शेयर करते जाऊंगा पढ़ते रहना चलो हम शुरू करते हैं अभी पहला चैप्टर आई एम साउट कुछ भी पूछना है सर सुसु सुसु होगा होगा क्या होगा? तुमको सुसु आ गया बीच में तुम जा सकता है कुछ बच्चे कंसेप्ट जब चालू होता है तो सुसु करने परपज फुल जाते हैं तो हमने उसको नाम दिया है सुसु इंडेक्स <laughs> तो जब जैसे जैसे तो कॉन्सेप्ट चालू होता है तुम देखोगे ऐसे सुसु करने के लिए जाएगा तो तुमको टोका तो कुछ नहीं जाना है तुम्हारा अभी क्या मैं यहाँ पे प्रूफ प्रूफ नहीं मांग सकता हूँ कि तुम तुमको किसी को आ गया है कंट्रोल नहीं हो सकता है तो प्लीज यहाँ पर कुछ अंदर क्लासरूम के अंदर कुछ मत करना बिंदास आप बाहर जाके आइए प्लीज क्लासरूम गंदा मत करिए खाना आपको खाना है लेक्चर्स के ब्रेक में खाओ सर लेक्चर्स में खाना खाना है बिंदास आप खाते रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ यहाँ पर नीचे कुछ गिरना नहीं चाहिए ब्रेकफास्ट करना है तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट खाना क्लासरूम में खाना है बिंदस खा सकते हैं लेकिन अगर क्लासरूम गंदा होने लग गया है तो में रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कचरे का डब्बा है कचरे के डब्बे में फेंक दो बस उतना ही कोपरेशन चाहिए गिराना मत कुछ चाय वगैरह मतलब वो थोड़ा डाउट आता है क्या गिराया तुमने चलो क्यों डेडी शेड्यूल थ्री हाँ होमोक्स बहुत सारे आएंगे तुमको होमवर्क करने का है और प्लीज होमवर्क जब करेगा ना तब तुमने और एक चीज मैं तुमको मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे दूंगा प्लीज होमवर्क जिस दिन दिया ना पीडीएफ बनाने का और कुछ कुछ बच्चा मुझे क्या करेगा पीडीएफ शेयर करो उसका आंसर मैं यहां पे चेक करके तुमको साइमन तुम्हारे सामने चेक करेगा चेक करके वो पीडीएफ करेक्ट करके मैं तुमको शेयर करेगा अलग अलग बच्चे पीडीएफ शेयर करते रहे ना होमवर्क जितना गलती करना है ना प्लीज प्लीज गलतियां करो इतनी तुम मतलब बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे तुम्हारा होमवर्क सही आ ही नहीं रहा है और तुमको इरिटेशन रहे आता रहेगा और उसकी वजह से लगता है दो तीन दिन नहीं हुआ तो भी चलता है बट उसके बाद दो से क्या करना है तुमको पढ़ाई करना है सेल्फ स्टडी इज मैंडेटरी यू नॉट पास बाई जस्ट अटेंडिंग लेक्चर्स दैट इज फॉर मार्केटिंग स्टंट ऑफ अ क्लास बेटा तू सिर्फ लेक्चर अटेंड कर तेरे को पूरा मार्क्स मिल जाएगा एक नंबर का तुमको झूठ बोल रहे ऐसे नहीं होता क्योंकि अगर क्लास लगाने से सिर्फ तुम पास होते थे तो पासिंग परसेंटेज आईसीए से का सेवेंटी 80 होना चाहिए था या सिक्सटी सेवेंटी होना चाहिए था क्योंकि उतने बच्चे क्लास लगाते हैं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्यों नहीं आता उतना परसेंटेज क्योंकि फालतू के जो एडवर्टीजमेंट के स्टंट रहते हैं वो स्टंट को बंद करना चाहिए गवर्नमेंट ने आई के एग्जाम्स में अभी वो आई वगैरह में रैंक वगैरह पब्लिश करना गवर्नमेंट ने मैंने बीच में पढ़ा था कि बंद किया है आई होप वो रूल्स ये में भी आ जाए क्योंकि ऐसे रैंकिंग ये से रैंक जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करके रैंक पाते मेरा कोई दुश्मनी नहीं अच्छा है बट प्रॉब्लम क्या होता है ना आप वो सिर्फ रैंकर्स के फोटो दिखा के

फालतू का स्ट्रेस लेते हैं आईआईटी में हमने पिछले साल लगभग लगभग इंडिया में ट्वेंटी सेवन किड्स कमिटेड सुसाइड वॉन टू दैट पर्टिकुलर लेवल अगर आपको कभी भी स्ट्रेस आ जाए चाहे आप प्लीज बात करो किसी से कोई भी होस्टेल एड बच्चे है मिलो ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्वेबल है बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक ऑब्वियसली वी कैन डू नथिंग एयर तो वो पासिंग मार्क्स उसके पीछे मतलब प्रोसेस एंजॉय करो अच्छे से पढ़ो टाइम आपकी ड्यूटीज फॉलो करो आउटकम आ जाएगा तो होमवर्क प्लीज करने का शेयर करने का आंसर है बोल एसी कम करना है ठंडी बज रही तुमको तो हॉट नहीं है यार तुम इतने सत्रह अठारह साल के बच्चे यू शुड बी हॉट है सबको ठंडी लग रही है करना फिर तो उधर टेम्परेचर का बटन रहेगा ना कर रहे हो तो तेरे को नहीं ठंडी लग रही ए, बंद नहीं करने ऐसे बंद कैसे करो बंद किए तो वापस बोले कि गर्मी लग रही है थोड़ा कम करना उधर टेम्परेचर का बटन रहेगा ना अरे ऊपर ऊपर ठीक से देख 25 से 26 किया तो ठंडी कम हो जाएगी नहीं तो, तो कम करेगा मतलब 23 पे लेके आएगा उसको <laughs> सर हाउ मेनी लेक्चर्स विल बी देयर ऑन यूट्यूब यूट्यूब चार पांच दिन डेमो वाला पब्लिक चार पांच लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे उसके बाद यह रहेगा हमको रफली लेट बी टेल यू हाँ कितना लेक्चर्स लगेगा ये रहता है फली आई रिक्डर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्लॉक टू टीच तुम थोड़े स्लो निकले तो दस घंटे और एड कर लेना पांच दस घंटे तो दो तीन लेक्चर इधर उधर प्लस माइनस लगेगा सो so, यह है सो so, और किसी को कोई डाउट हाउ मेनी लेक्चर यूट्यूब चार पांच लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा बस और ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है वो छोड़ के और कोई डाउट जो पुणे का पब्लिक है गाड़ी है तुमको पार्क करनी हो ऑफिस से पार्किंग का स्टिकर विकर कलेक्ट कर लेना एडमिन के ऊपर तुमको किसी को भी परेशान करना है विजय सर को करना है दर्शन सर को करना है करो मेरे को परेशान नहीं करने का तुम मैं इधर एकेडमिक चीजें के लिए तुमको एकेडमिक जितना डाउट है ना उतना पूछ मैं इरिटेट नहीं होगा तुमको सारे डाउट आंसर करेगा लेकिन डाउट घटिया तो प्लीज यार मैं तुमको ऐसा पोलाइट रिप्लाई नहीं दे सकता है क्यों मेरा नेचर है ऐसा आप मेरे को कमीना बोलो कुछ बोलो साइको बोलो कुछ भी बोलो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता बट मेरा इंटेंशन यही है कि तुमको वो चीज जिंदगी भर याद रहे और डरना मत प्लीज डाउट पूछने से सो सो इंटरेस्टिंग क्लास बस हमसे भी थोड़ा बात करो हाँ तो तुमसे भी बात कर रहा हूं ना ऑनलाइन पब्लिक तुम्हारे डाउट में देख रहा हूं ना यार सो so, तुमसे भी तुम भी डाउट पूछ सकते हो तुम भी चैट बॉक्स में बिंदास टाइप कर सकते हो ऑन द कंट्री ऑनलाइन पब्लिक ज्यादा इरिटेट करता है क्यों उसको डर नहीं लगता है <laughs> और ऑनलाइन पब्लिक जो पनिशमेंट आएगा ना उठक बैठक का तुम भी करने का आ, मतलब ऐसे चीटिंग नहीं करने का नहीं तो मैं तुमको शाप देगा so, चलो कहां पर कौन सा चैप्टर शुरू करने का शेड्यूल थ्री फाइनेंशियल सेटमेंट ये बेसिक है कंपनी फाइनल अकाउंट्स हम इसको बोल सकते हैं आपने सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप सीखा था तो वहां पे ट्रायल बैलेंस है जैसे आप बैलेंस या पी एल बना देते वैसा ही बनाना है लेकिन फॉर्मेट अलग है कुछ चीजें नहीं है तो हम डिस्कस कर लेंगे सुन लेना। वाई देर इज नीड फॉर अ सेपरेट फॉर्मेट लॉजिक इज जो ट्रेडिंग एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो चीज तुमने इलेवन स्टैंडर्ड से तुम सीखते आए हो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है का। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा चीज लेने का और पी एंड एल अकाउंट में कौन सा चीज लेने का इसके ऊपर ही जिंदगी में आधा कंफ्यूजन रहता है तुमको इलेवन 11 में 11, 12 वो चलो रूल मैकेनिकली बना के देता है ऐसा आइटम आ गया तो इधर लिखने का ऐसा आ गया तो इधर लिखने का वो क्लासिफिकेशन क्या बेसिस पे था तुम्हारा इलेवन ट्वेल्थ का या फाउंडेशन में भी जो आपने सीखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन

रहे ही ना जो तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो आपको किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट में पता नहीं चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट की कंसेप्ट ही नहीं आएगी फाइनल अकाउंट विदाउट ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट क्यों क्या था बच्चों सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या चीज में लू क्या चीज ना लू इसके ऊपर इतना डिबेट है आप जब कॉस्टिंग में जाओगे तब समझ में आएगा आपको कॉस्टिंग के अंदर डिबेटेबल आइटम्स है अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव। इट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंपनीज़ सो दैट आई कैन डू अ कंपैरिजन। इफ आई वॉन्ट टू डू अ कंपैरिजन ऑफ टू कंपनीज आई नीड टू गेट अ डेटा इन द सेम फॉर्मैट आई नीड टू गेट अ डेटा इन द सेम कंसिस्टेंट मैनर फॉर एक्साम्पलट आई एम बुलिश ऑन बुलिश मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिजनेस टू डू गुड

तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला देखो ये जो प्रॉफिट में तुम्हारा दिमाग में जो प्रॉब्लम रहता है कि ये डायरेक्ट है, ये है ये, ये ट्रेडिंग में आना चाहिए कंफ्यूजन हम रखते ही नहीं सिंपल एक लिखा इनकम एक्सपेंसेस खत्म नेट प्रॉफिट तो हम यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या बाकी और कुछ आएगा ही नहीं अगर कंपनी चाहती है तो खुद उसका प्रेजेंटेशन बना के अलग से अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करे बट जो लीगल फॉर्मेट गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करने का जो फॉर्मेट है या शेयर होल्डर्स को मैंडेटरीली रिपोर्टिंग करने का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट शेड्यूल थ्री में कंसिस्टेंट दिया है आसान फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है अगर आपको उससे ज्यादा एनालिसिस करना है आप खुद करो ना खुद करके इन्वेस्टर्स को दो और इन्वेस्टर्स को बोलो कि भाई शेड्यूल थ्री में ये नंबर्स है वो नंबर से ये नंबर मैच करते हैं अल्टीमेटली मैचिंग तो करना पड़ेगा तो बहुत सारा कंपनीज क्या करता है शेड्यूल थ्री में जो फाइनेंशियल है वो तो अपलोड करने ही पड़ते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है सो so, जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट आप है वहां वहां वो आप सबमिट करोगे बट इन एडिशन टू दैट बहुत सारा कंपनीज खुद होके इन्वेस्टर्स का मीटिंग लेता है और मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के उनका अलग से एनालिसिस करके देता है कि देखो ये जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट की जगह पे हम कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया वो इतना है प्रॉफिट इतना है, इतने है वो खुद होके एनालिसिस देते हैं वो एनालिसिस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है हम थो, भी थोड़ा ब्रीफ में उसको मैं आपको टच अप ऑन करूंगा क्योंकि रियल लाइफ जो पूरी चलती है वो शेड्यूल थ्री के नंबर्स

जो खाली चीज है ना उधर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए नहीं है, उसका करने के लिए बहुत सारा कंपनी अलग अलग तरीके से बिजनेस को एक्सप्लेन करता है प्लस कुछ एनालिस्ट लोग रहते हैं वो एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस भी आपको मैं कुछ लेक्चर कुछ में थोड़ा बहुत बोलूंगा कुछ एडिशनल आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे और वहां पर आपने क्या करना चाहिए उसको गो थ्रू करना चाहिए जब भी कभी आपको टाइम मिले तो आपको बिजनेस समझ में आएगा तो पहले ये चीज समझा तुमको शेड्यूल थ्री का जरूरत क्यों था जरूरत इसलिए था क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नेचर था ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल फॉर्मेट किया अभी उसका नाम शेड्यूल थ्री है पुराने जमाने में 1956 का जो लॉ था उसमें ये शेड्यूल नंबर सिक्स था नंबर सिर्फ क्या हो गया शेड्यूल सिक्स से नंबर चेंज हो गया फॉर्मेट सिमिलर ही है लेकिन शेड्यूल थ्री में दो पार्ट हो गए अभी ये दो पार्ट है दो पार्ट को गवर्नमेंट ने डिविजन बोला है आपके सिलेबस में डिविजन वन है बोलेंगे क्यों क्यों सर क्यों ऐसे दो डिवीजन है समझ लेना थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना इंपॉर्टेंट है दोनों डिविजन क्यों आए इंडिया हैज इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच यूर बेसिकली सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक पॉलिसी लाया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एनेट करके फॉरिन कैपिटल इंडिया में अट्रैक्ट करना शुरू किया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमारी इकोनॉमी हमने ओपन अप कर दी तो बहुत बड़ा एक दिक्कत आता था फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते थे यार तुम्हारे जो अकाउंटिंग ना वो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से नहीं है तो हम तुम्हारे इंडिया की कोई कंपनी है उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं अमेरिका के कंपनी के साथ या यूरोपियन कंपनी के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल एक यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वेस्टर से लेट्स ए गोल्डन सैक्स या यूएस एक ब्रोकर हाउस है जेफ्रीज़

इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले उसका नाम आई था जो भी नाम बदल के आई हो गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो ऑलरेडी बने थे लेकिन इंडिया ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था पहले बहुत टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया सो so फाइनली हमने उसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेस शुरू की 2011 में वो प्रोसेस कंप्लीट हुई 2015 में स्टेप बाय स्टेप बट इंडियन बिजनेसेस के बहुत सारे रिजर्वेशंस थे क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल का अकाउंटिंग होता है तो इंडियन बिजनेस ने बोला ये एस जो है हम ऐसे एज इट इज नहीं करेंगे हमें थोड़े से चीजें इंडिया के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर उसको अपना नाम दे दिया देसी नाम दे दिया इंडेस क्या नाम दे दिया इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इंडिया में आज की तारीख में टू डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स है इन इंडिया वी हैव टू डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स एक है सिर्फ ए एस और दूसरा है इंडेस एस जो है ये SMEs को है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस उनका डेफिनेशन कंपनी लॉ में दिया हुआ है एस किसके लिए अप्लीकेबल है एसएमईस के लिए और इंडेस किसके लिए अप्लीकेबल है नॉन एसएमई या मैं उसको लार्ज कंपनीज बोलता हूं तो लार्ज कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या बोला हम अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स बनाएंगे जो ग्लोबली कंप्लाइंट होंगे ताकि इंडियन कंपनी को अगर इंटरनेशनली जाकर फंड करने हैं तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लाइक like, बहुत सारे इंडियन कंपनीज है जो यूएस में जाके पैसा रेज करता है हमारा बाइजूज भी रेज करने वाला था यूएस में जाके पैसा गया डूब गया आ, अभी तो मुश्किल है उसका तो इंडियन कंपनी को यूएस में जाके पैसा रेज करना है या यूरोप में जाके पैसा रेज करना है तो क्या चाहिए उसको जो पहले तो आपको पैसा रेज करना है तो आपका पोजिशन क्या है आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो तो बोलना पड़ेगा ना यार वो बोले बगैर आपको कोई पैसा देगा क्या मेरे को पैसा दो ना पैसा चाहिए मेरे को अरे क्यों चाहिए तेरा फाइनेंशियल पोजिशन क्या है प्रॉफिट क्या है वो बताना पड़ेगा कि नहीं तो वो बताने के लिए हमने चालू किया इंडेस इंडेस इज बेसिकली जो आई था ना वो हमने पहले कॉपी किया एज इट इज उसमें से कुछ चीजें जो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं करनी है उनको डिलीट कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी इकोनॉमी डेवलपिंग नेचर का है टैक्सेशन थोड़ा भी हमारा बैकवर्ड चीजें गवर्नमेंट ने डिलीट कर दी डिलीट को बोला हमने कार आउट क्या वर्ड यूज किया मैंने कुछ चीजें डिलीट कर दी और कुछ चीजें इंडिया के हिसाब से एड कर दी उसको बोला हमने चेंजेस मेड बाय इंडिया

अलग है क्योंकि कुछ आइटम्स होते हैं जो इंडेस में आते हैं कैलकुलेट करना था। बहुत पे है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो पार्ट बना दिए एस वाला पार्ट है और ये इंडेस वाला पार्ट है एस वाला पार्ट को क्या बोला हमने डिवीजन वन और इंडेस वाले पार्ट को क्या बोला हमने

जो कंपनीज ऐसे नहीं है उनके लिए क्या है डिवीजन टू है और उसमें भी और फॉर्मेट है बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग फॉर्मेट है उनके रिस्पेक्टिव रेगुलेटर ने दिए वो कंपनी लॉ में भी नहीं है बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देके रखा है इंश्योरेंस के लिए आई ने अपने अलग फॉर्मेट देके के रखे है तो कंपनी लॉ में जो फॉर्मेट है वो किसको अप्लीकेबल है

ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था हमारे में, लेकिन तो गवर्नमेंट ने कोई नया फॉर्मेट दे दिया फॉर एक्साम्पल किसी एक कंपनी को अलग से फॉर्मेट दे दिया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा इफ इट इज गिवन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरे तो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी तो उनके लिए अलग फॉर्मेट ही है अलग, अलग फॉर्मेट दे दिया तो ऑब्वियसली वो उनको वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो क्या फॉलो करना पड़ेगा शेड्यूल थ्री शेड्यूल एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट और ये फाइनल में जाओगे तब आप ये डिवीजन टू सीखोगे जाना है कि नहीं जाना है सब लोगों ने रिस्पांस भी नहीं दिया क्या तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता जाएंगे ये कोई जाना है कि नहीं जाना है आ, तो हम अभी एस अलग अलग ए एस के, के हिसाब से ये शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट हम देखेंगे ये क्लियर हो गया तुमको अब मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज़ मेजोरिटी ऑफ कंपनीज़ जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे ना वो उनके एन्युअल रिपोर्ट्स आप देखोगे तो आपको एएस के हिसाब से नहीं मिलेंगे जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे कंपनीज रहती है उनको हम लिस्टेड बोलते हैं कंपनी को तुमने फाउंडेशन में भी ये सीखा होना चाहिए फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट एंड व्हाट पब्लिक तो फॉर्मेट प्राइवेट और पब्लिक के लिए अलग अलग ऐसा नहीं है फॉर्मेट क्या है तुम एसएमई है या नॉन एस एम है पब्लिक के अंदर दो टाइप रहता है लिस्टेड एंड व्हाट अनलिस्टेड लिस्टेड का मतलब क्या है रे बोलो बोलो लिस्टेड का मतलब है जिस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स रजिस्टर करवाए हैं क्यों उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से फंड्स रेज किए होंगे जब भी आपको पब्लिक से पैसा रेज करना होता है कंपलसोरिली आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ता है आप Facebook का ग्रुप बना के या Instagram पे, पे पेज बना के या और कहीं सोशल मीडिया पे या कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है वहां पे स्टेडियम में जाकर पैसा दो पैसा दो हमारे शेयर बेचने हैं हमको नहीं कर सकते ऐसा शेयर बेचना है तो कंपलसरीली कहां पे जाना पड़ता है आपको स्टॉक एक्सचेंज पे और जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो और फंड रेज करते हो तब हम उस कंपनी को क्या बोलते हैं बोलो बोलो तब हम उस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी तब तक कंपनी क्या रहता है अनलिस्टेड तो मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज को इंडेस अप्लीकेबल है तो अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके एनालाइज करना चालू करोगे आपको कुछ आइटम्स दिखेंगे जो मैंने सिखाए नहीं है क्यों क्योंकि उनके लिए इंडेस है सी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है ए एस का अकाउंटिंग इंडेस का अकाउंटिंग कुछ कुछ जगह पे सिमिलर भी है लेकिन कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट है लाइक like इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग में करने गया या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ए एस के अंदर मैं अलग तरीके से अकाउंटिंग करूंगा इंडेस के अंदर अलग से करूंगा तो कुछ कुछ कॉमन आइटम्स है तो मैं जब आपको लिस्टेड कंपनी का कोई एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आइटम्स कॉमन है लाइक ए एस में भी अकाउंटिंग सिमिलर है और इंडे में भी सिमिलर है तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्पजफुली शेयर करूंगा किसके अनलिस्टेड कंपनीज के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मैं शेयर करूंगा आपको ताकि आपको कुछ समझ में आए कि अनलिस्टेड कंपनी में अकाउंटिंग होता कैसे है डिस्क्लोजर्स कैसे करते हैं कंपनी में याद रखना चलो अब मैं पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करना चाहता हूं बहुत सारे आइटम्स है।, so, है? है और बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है heading, तुमने अब तक बैलेंस शीट कैसे सीखा रही टी फॉर्म में सीखा ना लेफ्ट साइड पे क्या रहते लाइबिलिटीज राइट साइड पे वाह वेरी गुड अब यहां पर टी फॉर्मेट नहीं है क्यों नहीं लॉजिक नहीं पूछने के लॉजिक नहीं दिया उनको इंसर्ट ऑफ गिविंग एंड एंड कंपनी लाइक लाइक दिस इट्स जस्ट दैट कुछ कर नहीं सकते लॉजिक है इंडिया इसमें जाओगे तो आपको थोड़ा अलग फॉर्मेट मिलेगा वापस पहले तुम क्या चीज दिखा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है पीरियड या पॉइंट मतलब जो भी कंपनी कंपनी का 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 नाम है, का नाम है ऊपर लिखने का, as on लिखने का, और फिर शुरू होने का सीरियल बहुत सारे आइटम्स अब मैं सिर्फ फॉर्मेट रटना नहीं मानने फॉर्मेट ही समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा तुमको रटने का है सिर्फ तुम हेडिंग रट लो अच्छे तरीके से फेल हो जाओगे अब क्यों एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन हर रिस्पेक्टिव में आने वाला है कुछ कुछ आइटम्स अभी आपको समझेंगे कुछ कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड्स बाद में आने वाले हर एक चीज का आपको रेफरेंसिंग करना था। जो आइटम आपने बैलेंस शीट पर लिखा है ना उसका आपको क्या करना पड़ता है क्रॉस रेफरेंसिंग करना पड़ेगा टू नोट्स टू अकाउंट तो उसको लिखेंगे हम नोट नंबर नोट नंबर मतलब सौ रुपया पांच सौ रुपए का नोट नहीं है जो बैलेंस शीट में मेन अमाउंट है उसके डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं तो देने पड़ेंगे वो डिटेल्स जहां पे दोगे उसको हम क्या बोलेंगे नोट नंबर और आपको जब आप बैलेंस शीट बनाते हो करंट ईयर का या करंट पीरियड बोलेंगे हम क्योंकि बैलेंस शीट कैन बी मेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस ऑल्सो और प्रीवियस ईयर का डेटा देना पड़ता है ताकि क्या करें लोग कंपेरिजन कर पाए ये बच्चों ये कंपैरिजन को क्या बोलेंगे सेम कंपनी को मैं जब कंपेयर करता हूं ना तो उसको बोलते हैं इंट्राफर्म कंपेरिजन क्या वर्ड यूज किया मैंने इंट्राफर्म अबिशनल चीज है तुमने नोटिंग करते रहना चाहिए मैं जो लिख रहा हूं सिर्फ उतना ही नहीं लिखने का तुम्हारे बुक में ज्यादा लिखा होना चाहिए खुद लिख सकता है तुम और हैंडराइटिंग अच्छा निकालने का तारे जमीन पर नहीं चाहिए ऐसा गंद गंदा गंदा लिखता है सो इंट्राफर्म कंपेरिजन यानी इंटरफर्म कंपेरिजन बहुत डिटेल में आप कंपेरिजन कर सकते हो अब मैं एक ही कंपनी का कंपैरिजन मल्टीपल पे कर रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं फर्म और एक ही कंपनी का मैं दूसरे कंपनी के साथ जब कंपेयर करूंगा तो क्या बोलेगा उसका इंटरफर्म कंपेरिजन तो यहां पर तो बेसिक दिखेगा स्क्रीनर पे मैं अगर गया तो लेडेस से मैं गया ब्लू डॉट को देखने ब्लू डॉट एक्सप्रेस ठीक है तो ये उसके डिटेल्स आते हैं क्या डिटेल्स है आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा बाय द एंड ऑफ द बैच यू विल बी इन अ गुड पोजिशन एंड ऑफ द इंटरमीडिएट बैच क्योंकि कुछ चीजें में आएगी कुछ चीजें अकाउंट्स में कुछ चीजें कॉस्टिंग में है बाय द द एंड ऑफ ऑफ इंटरमीडिएट यू विल बी इन अ गुड टू अंडरस्टैंड लॉट थिंग्स तो यहां पर जब मैं आता हूं ना नीचे देखो एक पियर कंपेरिजन दिखता है दिखा तुमको पियर कंपेरिजन तो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर करके रखा डिलीवरी ब्लूडार्ट एंड कॉर्पोरेट कुरियर कोई तो है मेरे को नहीं चाहिए लेकिन ये ब्रीफ कंपेरिजन मेरे को चाहिए डिटेल्ड कंपेरिजन

रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है फेस वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस टू सेल अर्निंग फ्री कैश फ्लो नंबर ऑफ शेयर एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिडा ऐसा इतना सारा कंपेरिजन ये कब आएगा भाई साहब कंपेरिजन ये कंपैरिजन कब आएगा जब तुम्हारे पास डिटेल्ड डेटा अवेलेबल है तभी जाके ये कंपैरिजन आप कर पाओगे कि नहीं

लेकिन रुपीज से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती क्यों मैं बोलता हूँ कंपनी ने प्रॉफिट किया तीन हजार करोड़ का तो मैं क्या है? नहीं मैं आपको बोलता हूँ इसके पास कैपिटल है सत्तर हजार करोड़ का अगर तुम करोड़ के ऊपर तीन हजार करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न जो है वो बहुत कम है ये नंबर आपको कभी समझ में नहीं आएगा शेड्यूल थ्री से शेड्यूल का लेकिन बैलेंस देखना है कैपिटल देखना अगर सत्तर हजार करोड़ तुम लेके बैठा है और उसके ऊपर सिर्फ तीन हजार करोड़ कंपनी चलो एक आधे साल में हो गया आई कैन अंडरस्टैंड बट इफ दिस इज अ ट्रेंड विच इज टेकिंग प्लेस असली एंड इज नो स्कोप ऑफ रिकवरीस इज इन ट्रबल ये शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए ये पता चलने के लिए गवर्नमेंट ने कोविड के अंदर एक मैंटरी रिक्वायरमेंट लाया मैंडेटरीली कुछ रेशोस है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को कंपल्सरीली कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट ईयर के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए और दोनों में डिफरेंस क्यों है वो भी कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर्स को जिनको अकल है उनको समझ में आए सारे के लोगों को अकल नहीं होती है तो बहुत सारे लोग बेअकल होते हैं प्लीज ये मत समझना कि जो भी मार्केट चलता है वो सब कुछ परफेक्ट चलता है नहीं परफेक्ट मार्केट नहीं हो मतलब कुछ कुछ केसेस में प्योर प्योर मैनिपुलेशन या इेशनैलिटी रहता है बट जो रैशनल लोग रहते हैं वो ये नंबर्स देखते हैं वो कभी भी ऐसे एक कोई कंपनी है

हेडिंग है बच्चों, इक्विटी एंड वॉट लाइबिलिटीज इज येडिंग लाइबिलिटी ठीक है अब एक वन में, में प्रेजेंट करना है तो शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन आए या बाय का क्वेश्चन आए या का क्वेश्चन आए कोई भी चैप्टर में आपको बैलेंस शीट पूछा तो बी इन शेड्यूल थ्री यू हैव नो चॉइस सीरियल नंबर वन इक्विटी मींस वॉट ओनर्स मनी बट हमारे अकाउंटिंग में जो बैलेंस शीट पे नंबर दिखता है वो बुक वैल्यू दिखता है, क्या दिखता है बिजनेस की सच में जो वर्थ है वो वर्थ फाइनेंशियल में नहीं दिखती है वो लाइन तुमने ग्यारहवीं में बारहवीं में पढ़ा होगा फाइनेंशियल शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस कचरे के डब्बे में फेंक दो उसको लाइन को ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ना वो अकाउंटिंग वाइज रेगुलेटरी है लेकिन सच में धंधा तुमको सिर्फ बैलेंस शीट देख के समझ में नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा जस्ट बिकॉज हम अकाउंटेंट है तो हम लोग ये लाइन को बहुत प्यार से ट्रू एंड फेयर व्यू अगर बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता था तो इतने सारे फ्रॉड्स होते ही नहीं थे तो बैलेंस शीट में से सब कुछ चीज समझ में नहीं आती है ये पहले समझ लेना तो बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू मतलब जो अमाउंट हमने एसेट खरीदने के लिए इंकर किया है जो हमने पे किया है वो अमाउंट उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन अगर मैंने मशीनरी खरीदा था पचास करोड़ का मशीनरी खरीदा हमने तो करोड़ का क्या बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट लेकिन ये मशीन छह साल पहले खरीदा था पिछले छह साल में हमने डेप्रिसिएशन उसके ऊपर प्रोवाइड किया पचास करोड़ में से लेट से बारह करोड़ रुपया ऑलरेडी डेप्रिसिएशन में गया सो so, ट्वेल्व रह गया कितना थर्टी एट करोर उस थर्टी एट करोर को हम बोलते हैं बुक वैल्यू क्या वर्ड यूज किया मैंने बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू क्या वर्ड यूज किया मैंने दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू डब्ल्यू तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा फिफ्टी करोर माइनस 12 करोड़ 38 एट करोर दिखेगा लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है या उसकी फेयर प्राइस जो है वो ज्यादा हो सकती है और बोले कम भी हो सकती है कम भी हो सकती है कम अगर हो गई तो उसका लॉस बुक करना पड़ता है क्योंकि अकाउंटिंग में हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं क्या वर्ड मैंने मैंने बैलेंस दिखाई मशीनरीटेड मतलब टोटल समझा ना आउटर कॉलम कितना दिखाया मैंने बोलो थर्टी एट करोर दिखाया नहीं मैंने अब उसका वर्थ अगर मैं बोलता हूं सच में पंद्रह करोड़ ही है

वर्ड कंजर्वेटिज्म एंड वर्ड प्रूडेंस दोनों सेम ही है ये कहां पे लिखा है प्रूडेंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ लिया है एस वन में चीज लिखी हुई है तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको दिमाग में तीन चीजें रखनी पड़ती है प्रूडेंस मटेरियलिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म डिटेल में करेंगे बाद में बच्चों बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जो असेट्स और लाइबिलिटी दिखेगी वो कौन से वैल्यू पे दिख रहे बुक वैल्यू पे लेकिन उसका मार्केट वैल्यू अलग है करेक्ट दैट इज वाई जब शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं तो प्राइस अलग रहता है शेयर का और जो बैलेंस शीट पर दिखता है वो प्राइस अलग रहता है नॉर्मली मार्केट शेयर मार्केट में जो ट्रेड होता है वो प्राइस ज्यादा रहता है बुक वैल्यू आई डिड नॉट से वैल्यू आ गए तुम्हारे सामने अभी तक तीन कौन से तीन बुक वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और एक आएगा कंफ्यूज मत फेयर वैल्यू भी आने वाला थोड़े टाइम में आ रहा है तो अभी मैं बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखने वाला हूं बैलेंस शीट में फेस वैल्यू भी दिखता है और बुक वैल्यू भी दिखता है देखो तो सबसे पहले हम शेयर्स की बात करते हैं हाँ लेकिन हमारे पास इंडिया में या दुनिया भर में एक और एक चीज है हाइब्रिड चीज हाइब्रिड मतलब फंड्स दो टाइप के होते हैं बोरोड फंड्स एंड ओन फंड्स ओन फंड्स मतलब इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या है ओन फंड्स खुद का पैसा जो है उसको हम क्या बोलते हैं ओन फंड्स फंड्स और बोरोड को क्या बोलते हैं डेट लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज वॉट यू ऑर टू रीपे हा हाइब्रिड चीज क्या है दोनों का फीचर से उसमें. Preference shares. Hybrid nature क्या है उसमें प्रेफरेंस शेयर प्रेफरें हाइब्रिड नेचर के होते हैं हाइब्रिड मतलब प्रेफरेंट ऑल्सो दे आर लाइक इक्विटी ऑल्सो कैसे है सुन लोक आई होप यू नो इक शेयर डिबेंचेस इट इज अज्यूम डेट एटलीस्ट द वर्ड्स योर पास सी ए फाउंडेशन इट इज अजमशन की शेयर और डिबेंचर्स का नाम तो मालूम है हा या ना अजमशन सही है गलत है ऑन योर स्क्रीन चलो शुरू करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दो बच्चे शेयर्स डिबेंचर्स और डेट डेट के दो बच्चे डिबेंचर्स लोन

ट्रेडिंग चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं सो डेट डेट इज अ बोरोड फंड्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स शेयर्स दो बच्चे इक्विटी एंड प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो थोड़े इक्विटी शेयर्स के भी फीचर रखते हैं थोड़े डेट के भी फीचर्स रखते हैं इक्विटी शेयर्स ऐसा रिडीमेबल होता है क्या कभी सुना आपने इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर 10 इयर्स इक्विटी शेयर्स का ऐसा टर्म होता है क्या डेट का टर्म होता है क्या हाँ, डिबेंचर्स का टर्म होता है क्या हाफरेबल दैट इज लाइक अ डेट बट डेट के ऊपर क्या मिलता है इंटरेस्ट इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है डिविडेंड प्रेफरेंस के ऊपर भी क्या मिलता है डिविडेंड डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड दे सकते हो सो डिविडेंड इज लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं कब अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऐसा है क्या प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे इंटरेस्ट हैज टू बी पेड वेदर इज अ प्रॉफिट और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर का जो डिविडेंड है लॉस हो गया तो डिविडेंड जाएगा क्या Loss. तो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी का भी फीचर है वोटिंग राइट्स किसके पास रहते हैं कंपनी में

कभी आपने सुना इक्विटी शेयर्स के लिए असेट सिक्योरिटी दिया हमने नहीं इक्विटी शेयर्स कोई सिक्योरिटी नहीं रहता प्रेफरेंस शेयर्स भी अनसिक्योर्ड अनसे तो प्रेफरेंस शेयर्स को पास दोनों के फीचर है ये एक हाइब्रिड है इसके पास दोनों का फीचर्स है डेट का भी फीचर्स है और इक्विटी का भी फीचर्स है समझा तुमको तो पहले हम शेयर्स लिखने वाले हैं और उसके बाद हम लाइबिलिटीज लिखेंगे टाइटल क्या लिखा है मैंने देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तो देखो पहले हम लिखने वाले हैं इक्विटी बट इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड वर्ड क्या यूज किया रहे है मैंने? शेयर होल्डर्स, होल्डर्स क्यों लिखा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नहीं लिखा मैंने मैंने टाइटल क्या लिखा है पढ़ो पढ़ो शेयर होल्डर्स मतलब क्या आएगा इसमें सिर्फ इक्विटी आएगा नहीं प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे हाइब्रिड चीज इधर ही हम मिक्स करेंगे लेकिन एक चीज सुनो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा क्या उसमें से नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनका जो कैपिटल रहता है उसके ऊपर एक एट परसेंट टेन परसेंट इलेवन परसेंट जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट लेने का और चुप बैठने का जनरली स्पीकिंग हा देर कैन बी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस वट वड आई यूज Participating मतलब क्या क्या? है? है. है उनको 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 मिलेगा मिलेगा. मिलेगा कितना वो सारा सारा का सारा profit उनको जाता है क्या? तो इसलिए company ने जो प्रॉफिट कमाया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी के पास क्या ऑप्शन रहते दो ऑप्शन रहते हैं डिविडेंड दे दो, या उसको प्लाउ बैक करो या रिटेन करो दूसरा दोनों भी करो हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाया दो सौ करोड़ का डिविडेंड दे दो आठ सौ करोड़ को क्या करो प्लाउ बैक, करो. या प्लाव बैक को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस किसका है रिजर्व सरप्लस किसके है इक्विटी वालों के या प्रेफरेंस वालों के इक्विटी क्यों

वो ब्रेकअप जाएगा तुम्हारा नोट्स अकाउंट में तुमने फाउंडेशन में ऑथोराइज कैपिटल इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कॉल्ड अप अप कैपिटल कैपिटल पेड ऐसा नोट बनाया होगा सीए फाउंडेशन में तो उसमें से सच में जो पेड अप कैपिटल है वो यहां पर बैलेंस शीट में आएगा बट डिटेल्स में बेसिकली कितने नंबर ऑफ शेयर है इंटू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल इज शोन एट फेस वैल्यू फेस वैल्यू इज अ बुलशीट कॉन्सेप्ट इट इज ऑफ एब्सोल्यूटी नो इज नो बडी इन आर कंट्री नोज वाई इट इज क्रिएटेड इट इज जस्ट देर वाई समबडी रोड इट इनिशियली वी आर फॉलोइंग इट एज इट इज बच्चो मैं जब बोलता हूं शेयर्स ऑफ फेस वैल्यून इच इट टू हंड्रेड एंड नाइन हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में दस रुपया दिखाओ और बाकी का जो टू हम बोलते हैं प्रीमियम कहां पे दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम हम रिजर्व एंड सरप्लस नाउ व्हाट इज अट थिंग भाई साहब पूरा का पूरा दोस्तों में यार तुम्हारा क्यों फालतू का तुम ब्रेकअप करके बच्चों को परेशान कर रहे हो यार सच में कैपिटल कितना लिखना चाहिए था 290 कैपिटल लिखना चाहिए था कि नहीं अरे बोलो दस इशू प्राइस कितनी है, है शेयर की नब्बे तो कंपनी को आया कितना दो कैपिटल कितना है तो कंपनी का दो सौ बट हम दिखाएंगे कैपिटल में कितना दस और रिजर्व में कितना दिखाएंगे टू एटी अब तक आपने बारहवीं तक क्या सीखा या फाउंडेशन तक ये मैंने मेरे से होगा तो ऐसा नहीं सिखा होगा मैंने रिज़र्व सरप्लस का मतलब क्या है? क्या सीखा तुमने तुमको टीचर ने क्या बोला रिजर्व का रिजर्व आर प्रॉफिट प्लाउड बैक इवन तुम गूगल को पूछोगे ना पूछ के हैं। को तुम, written, कोई तो बुक में लिखा रहेगा गूगल के नॉट रिप्लेस अ टीचर क्या लिखेंगे हम गूगल को क्या पूछेंगे वॉट इज रिजर्व एंड सरप्लस आई होप गूगल रॉन्ग आंसर

भाई साहब ये 280 जो मैं रिजर्व सरप्लस में दिखा रहा हूं no. क्या लिखा था गूगल पे इधर पेडमी जीरो जितने भी चीजें थी क्या लिखा था रिजर्व सरप्लसा प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, है तुमने क्या पढ़ा प्रॉफिट प्लाउड रिजर्व सरप्लस में सब कुछ जो दिखता है वो प्रॉफिट प्लाउड बैक नहीं होता देखो दूसरा चीज हमारा पेटीएम क्या हो क्या रहा है जितना टाइम क्यों लग रहा है इसको आने के लिए इंटरनेट पे डर गया, गया एक सेकंड वाईफाई हाँ करेक्ट है हाँ ये देखो पेटीएम का नाम है वन सेवन प्लीज कान खोल के समझ लेना आ नहीं रहा हाँ, आगे वन नाइनटी कम्युनिकेशन इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं नेट प्रॉफिट 2016 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव 1500 करोड़ नेगेटिव 880 नेगेटिव 1490 नेगेटिव 3960 नेगेटिव 28 करोड़ कहीं पे पॉजिटिव दिखा तुमको जितने भी साल का अवेलेबल डाटा है सारे के सारे सालों में इसने अच्छा खासा लॉस कर दिया समझा ना तुमको अब मैं जाता हूं बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट रिजर्व ऑफ पेटीएम बैलेंस शीट में रिजर्व पॉजिटिव 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 तुमने क्या सीखा रहे अभी तक क्या पकड़ रहे थे तुम लोग? गूगल क्या बोल रहा था? आर प्रॉफिट बैक? इसने तो प्रॉफिट इसको तो प्रॉफिट ही नहीं है इसको तो लॉस है लेकिन तभी बैलेंस शीट में रिजर्व बरबर को दिख रहे ये रिजर्व देखने के बाद क्या बोलेगा अपना रिलिटेड आदमी क्या बोलेगा ये रिजर्व यही तो अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट में से कोई सुन रहा है प्लीज चेंज करो ये ब्रिटिशर्स ने जो तुम्हारे पास ये ऐसा कचरा छोड़ के गए ना चेंज करो भारत आजाद बन चुका है कब का मोदी जी आ चुके हैं नया भारत आ चुका है अमृत काल है ये रिजर्व <laughs> के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते वो सच में रिजर्व नहीं है रिजर्व शुड बी प्रॉफिट प्लाउड बैक बट इन इंडिया दिस

उसने अच्छा खासा लॉस ही कमाया है राधर लॉस बढ़ते ही जा रहा है अभी अभी तो और बढ़ेगा अभी तो अगले साल का पूछो मत सो पॉइंट इज वेन यू शो रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट इट्स नॉट जस्ट द उडबैक प्रॉफिट प्लाउड भी रहता है किसी को पता नहीं है ने कुछ लिख के रखा था हम उसको करते जा है। क्या है? के अंदर दिखाने का और जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया ऊपर से उसको हम कहा दिखाएंगे रिजर्व सरप्लस में दिखाएंगे रिजर्व सरप्लस का भी ब्रेकअप होगा तो रिजर्व सरप्लस में दो टाइप की चीजें रहती है ऑन योर स्क्रीन चला रिझर्व अँड सरप्लस हर कोय चालू करणारे लेफ्टँड साइड कॅपिटल और वी कॅन कॉल दू द कॅपिटल प्रॉफिट इट्स अ कॅपिटल ओनली बट स्टील शोन अंडर द हेडिंग रिझर्वस वाय डोंट आस सच क्वेश्चन भाईने बोला ना ऐसाने कॅपिटल प्रॉफिट्स एड प्रॉफिट प्लाउड बॅक

कितने बच्चे पैदा करेंगे हम दो। कितने रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मारूंगा मैं दूंगा रिजर्व दो बच्चे पहले बच्चे का नाम क्या है डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट्स और दूसरा क्या है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स डिविजिबल मतलब डिविडेंड दे सकते हो डिविजिबल का दूसरा नाम क्या बोला मैंने रेवेन्यू रिजर्व टू ब्रैकेट रेवेन्यू रिजर्व डिविजिबल मतलब रेवेन्यू रिजर्व नॉन डिविजिबल मतलब बोलो कैपिटल प्रॉफिट समझ में आएगा तुमको डिविजिबल ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम था ये कहां पे लिखूंगा मैं डिविजिबल ये सच में प्रॉफिट है क्या सच में तुमने प्रॉफिट प्लाउ बैक किया है क्या नहीं फिर हम क्यों लिख रहे हैं रूल है ऐसा रूल बनाया है सो सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर कैपिटल रिजर्व करके ऐसा एक चीज रहता है आएगा धीरे धीरे आप सीखोगे क्या आता है कहां से आता है कैपिटल रिजर्व देन कैपिटल रिडम्शन रिजर्व सीआरआर

कैपिटल रिडेमशन रिजर्व सी आर आर इन चीजों में से आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो भी क्योंकि ये सच में प्रॉफिट नहीं है बट तभी भी हम उसको प्रॉफिट के अंदर दिखा रहे हैं क्योंकि कि किसी गधे ने उसको 1956 या उसके पहले जो कंपनी ला था उसमें लिख के रखा था और किसी ने अभी आज तक क्वेश्चनिंग नहीं किया चुपचाप उसको हम फॉलो करते हैं आ रहे सच में तुमने जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है पी एंड एल अकाउंट जो प्रॉफिट कमाया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो जाता है डिविजिबल प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर तुम्हारा रहता है जनरल रिजर्व एनी अदर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट और कुछ भी नाम दे दो आप उसको एनी अदर रिजर्व कुछ भी नाम दे दो आप एनी अदर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट प्रॉफिट विच कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच कैन बी यूज फॉर वॉट डिविडेंड पेमेंट तो उसको हम डिविज़न तो रिजर्व में दो टाइप के रिजर्व होते हैं एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व एक होते हैं कैपिटल रिजर्व राइट हैंड साइड पे और एक एग्जाम्पल लेके डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व डिबेंचर रिडेमशन रिजर्व समझ में आएगा तुमको इसको क्या बोलेगा मैं डी आर आर डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व डी आर आर तो कंपनी लॉ में आप फेस वैल्यू दिखा रहे हो कहां पर दिखा रहे हो फेस वैल्यू बैलेंस शीट पे हो गया तुम्हारे लिख के अरे हो गया क्या लिख के गुड चलो ये yeah, डिस्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टर्स को समझने के लिए क्यों कितने अमाउंट का डिविडेंड कंपनी दे सकता है पूरे रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कुछ रिजर्व्स ही है जो डिविडेंड के फॉर्म में आप देना चाहो तो दे सकते डिविडेंड समझता है ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इज नोन एज आई होप यू नो बेसिक टर्म्स शेयर डिवेंचर्स इंटरेस्ट डिविडेंड कंपनी ठीक है तो शेयर कैपिटल कौन सा वैल्यू पे दिखता रहे शेयर कैपिटल कौन सा वैल्यू पे दिखता फेस वैल्यू क्यों रे ऐसा है रूल है फेस वैल्यू लेकिन पूरी की पूरी फेस वैल्यू दिखती क्या नहीं अगर कुछ अनपेड है, है और फेस वैल्यू है बट कुछ शेयर्स पे कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो उसका नोट्स टू अकाउंट में ब्रेकअप दिखाते हम अप कैपिटल कॉल्ड अप मतलब डिमांडेड लेस कॉल्स इन एरियस देयर फोर पेडअप कैपिटल ये बैलेंस शीट पे नहीं दिखता है रियल रियल लाइफ में आजकल कॉल्स इन एरियर्स बहुत ही कम रहते हैं या निगलिजिबल रहते हैं क्यों रियल लाइफ में first first call, call, ये ये ऐसा फर्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन कॉल कॉल सेकंड बहुत कम केसेस में चलता है मेजॉरिटी केसेस में शेयर इशू होते हैं पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही लेते हैं तो सवाल आता ही नहीं है कॉल्स इन एरियर्स का और वो जो अकाउंटिंग तुमने फाउंडेशन में सीखा था उसका कोई वैल्यू

तुमने जो कैपिटल कलेक्ट किया शुरुआत में टू नाइन रुपीज कलेक्ट किया और धीरे धीरे क्या होते जाएगा वो रिजर्व बढ़ते जाएंगे तुम्हारे कैसे बढ़ते जाएंगे अगर प्रॉफिट किया तो लॉस किया तो तुम्हारा रिजर्व कम कम होते जाएगा पेटीएम के रिजर्व देखो तुम कम कम होते गए तेरह हजार करोड़ से बारह हजार करोड़ आ गया बारह हजार से वापस नीचे थोड़ा ये नए शेयर इशू करते जा रहा है साला बिगड़ी अब देखो तुम अगले दो तीन साल में देखो कैसे और नीचे आता क्यों

ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट और रिजर्व का जो भी अमाउंट रहता है उसको हम बोलते हैं फैंसी लैंग्वेज में दोनों का टोटल लेके नेटवर्थ नेटवर्क नहीं बोला नेटवर्थ नेटवर्थ जब हम फाइनेंस में यूज करते हैं इट इज नॉर्मली बुक वैल्यू इट इज नॉट एट मार्केट वैल्यू क्योंकि बहुत सारे लोगों को

नेटवर्थ कितना है तू पर्सनल लाइफ में जो नेटवर्थ होता है वो नॉर्मली मार्केट वैल्यू पे मेजर किया जाता है तो व्हेन यू आस्क सर व्हाट इज योर नेटवर्थ आई विल टेक माय असेट्स उनका मार्केट वैल्यू ले लूंगा और माय लाइबिलिटीज माइनस करके मैं बोलूंगा मेरा नेटवर्थ 5 लाख रुपया गरीब आदमी हूं सो so, ऐसे मैं बोलता हूं पर्सनल लाइफ में जब आप नेटवर्थ किसी को पूछते हो या बोलते हैं जनरली नेटवर्थ पर्सनल लाइफ में मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेजर करते हैं ये जनरल कन्वेंशन है बट जब फाइनेंस में आप बैलेंस शीट में से नेटवर्थ देखते हो वो नेटवर्थ मार्केट वैल्यू पे नहीं रहता है वो नेटवर्थ बुक वैल्यू पे रहता है क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है वो बुक वैल्यू पे होता है जो तुमने पे किया है वो आसेट को खरीदने के लिए बेसिकली नेटवर्थ इज वॉट टवर्क इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस व्हाट रिजर्व्स एंड सरप्लस क्योंकि रिजर्व सरप्लस किसके लिए है बच्चों अरे रिजर्व सरप्लस किसके लिए है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है ना अच्छा ये शेयर कैपिटल का जो हेडिंग था उसमें दोनों टाइप के शेयर आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस भी आएगा और सर तुमने लिखा नहीं वो इधर बैलेंस शीट पर नहीं लिखते हैं। वो सारा ब्रेकअप किधर जाएगा नोट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड और समझा क्या तुमको अब मैं इसी को उल्टा लिखता हूं देखो अब टी फॉर्म में बैलेंस शीट इमेजिंग करो ऑन योर स्क्रीन बैलेंस शीट दिख रहा है तुमको इधर क्या है लाइबिलिटी बोल रहे हो अबे आ, राइट साइड असेट रहता है रे अच्छा हमारा लेफ्ट है अबे गधे मैंने इधर पूछा ना तो तुमने मेरे हिसाब से सोच के बोलना चाहिए ना वापस अरे है क्या ये बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी यहां पर है आई कैन गेट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एज नथिंग बट ऑल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी बेसिक इक्वेशन था ए माइनस एल इक्वल टू ई असेट्स माइनस सो असेट्स माइनस वॉट िटीज इज नर्थ बट नेटवर्थ एक शेयर का है सारे के सारे शेयर का हम बोलते हैं बुक वैल्यू ये नेटवर्थ को हम क्या बोलते हैं बुक वैल्यू और उसके बाद हम निकालते हैं बीवीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर हाउड कैलक्युलेट बुक वैल्यू पर शेयर अज्यूम करो ये नेटवर्थ में प्रेफरेंस नहीं है क्योंकि वर्ल्ड शेयर कैपिटल के अंदर क्या हो सकता है प्रेफरेंस भी हो सकते हैं ना ये जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या क्या आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आता है रिजर्व में सारे के सारे रिजर्व किसके रहते हैं इक्विटी के रिजर्व में से एक रुपया भी प्रेफरेंस वाले का नहीं रहता ऑल रिजर्व बिलोंग टू इक्विटी होल्डर क्यों प्रेफरेंस वाले का जो है वो लाइबिलिटी है डिविडेंड डिविडेंड उनको डिक्लेयर करके पे करना पड़ेगा उसको इफ कंपनी अर्स अ प्रॉफिट डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स व्हाट अबाउट इक्विटी शेयर्स प्रॉफिट कमाए तो डिविडेंड देना कंपल्सरी है क्या शेयर होल्डर करके तुम जा सकते हो कंपनी में और बोल सकते हो डिविडेंडो डिविडेंडो हमारी मांगे पूरी करो ऐसा बोल सकता है क्या तुम क्यों डिविडेंड इज नॉट अ राइट फॉर इक्विटी होल्डर्स कैन रिक्वेस्ट कंपनी डिविडेंडो नहीं दिया कंपनी ने बैठने तो? का उधर नहीं फिर मम्मी, मेरे को नहीं, नहीं, है, मम्मी। नहीं कर सकते तुम, का अपना, अपना पॉलिसी रहता है कि प्रॉफिट अगर हम धंधे में प्लाउ बैक करेंगे और धंधे को हम एक्सपांड करेंगे तो अच्छा होगा ऐसे अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लग रहा है तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या करेगा प्रॉफिट का प्लाउ बैक करेगा अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है

इधर बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट इट फॉर प्रेफरेंस लिखना भी नहीं होता हर एक को समझता लेकिन तुम लोग नए हो इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने फॉर इक्विटी शेयर कैसे निकालूंगा मैं टोटल बेसिस पे

नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इससे क्या आ जाएगा बच्चों तुमको बुक वैल्यू पर शेयर आएगा है हाँ ना तो बैलेंस शीट से तुमको बुक वैल्यू कितना है वो समझ में आएगा समझा क्या सबको एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है बुक वैल्यू मतलब बेसिकली असेट्स कितने हैं माइनस लाइबिलिटीज पर शेयर कितना है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेटवर्थ नेटवर्थ में से कि क्या माइनस करो स शेयर्स का जो पैसा है वो माइनस करो अगर है तो क्योंकि हर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा ऐसे जरूरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये क्या निकाला मैंने बीवीपीएस बुक वैल्यू और इससे एक रेशो आता है बहुत ही पॉपुलर रेशो है पीबी रेशो तुम्हारे बीसी के में कहीं तो पड़ा होगा ये सिलेबस में है तुम्हारे आगे जाके पीबी रेशो बहुत काम का चीज है पीबी इज बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर प्राइस पर शेयर इन द मार्केट बुक वैल्यू पर शेयर अभी समझा तुमको यूज किया है वो डेटा का तो अगर तुमने बैलेंस शीट पर डेटा दिया तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालूंगा तो प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर नॉर्मली प्राइस पर शेयर इज मोर देन द बुक वैल्यू क्यों बुक वैल्यू इज रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पास वॉट यू ऑर बट प्राइस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर

अब लिंक कौन से चैप्टर में था सर ये मेजरमेंट डिसिप्लिन करके इंट्र फर्स्ट चैप्टर में अलग-अलग मेजरमेंट डिसिप्लिनस थे अगर टीचर ने गलती से एफर्ट लिया होगा समझाने का तो समझा होगा और तुमने पढ़ने का एफर्ट लिया होगा तो दोनों दोनों मिसिंग है ये सारा चीज में जो सिखा रहा हो ये सीए फाउंडेशन है वैल्यूएशन बेसिस ऐसा कांसेप्ट था <laughs> अभिषेक सेवन क्रोर का क्लासरूम माइनस वन क्रोर सिक्स क्या है बुक वैल्यू ये क्लासरूम इस एरिया का रेट चलो अज्यूम करो पर स्क्वायर चौदह हजार रुपया हो गया मैंने बोला ये थाउजेंड स्क्वा इन टू टेन थाउजेंड हमने खरीदा था लेकिन अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है चौदह हजार तो बच्चों क्लासरूम की बुक वैल्यू कितनी निकली मेरी बुक वैल्यू वॉज इक्वल टू सेवन क्रोर माइनस वन क्रोर सिक्स क्रोर क्या आई लेकिन आज अगर इस क्लासरूम का रेट फोर्टीन थाउजेंड पर स्क्वायर फीट है ये सेवन थाउजेंड स्क्वायेयर फीट इंटू फोर्टीन थाउजेंड पर स्क्वायर फीट क्या हो गया कितना आया नाइन नाइन पॉइंट एट मार्केट वैल्यू हो गया समझा यहां तक अभी तक खत्म नहीं हुआ कंसेप्ट जन्नत अभी बाकी है मार्केट वैल्यू क्लासरूम का 9.8 पॉइंट एट करोड़ है बट अगर ये क्लासरूम हम धंधे के लिए यूज करते हैं बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं तो ये आपको सिखा के हम प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट हम इस क्लासरूम को लेट से अज्यूम करो ये बिल्डिंग और 20 साल चल सकती है अज्यूम वी कैन यूज दिस क्लासरूम फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स और 20 इयर्स में हम प्रॉफिट कमा सकते हैं हाँ है ना कुछ तो आज नहीं अब फ्यूचर में फ्यूचर में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं एक हर साल हर साल में दो बैचेस मल्टीपल टाइम्स फोर्टी बैचेस हम करेंगे और फोर्टी बैचेस में हम पैसा कमाएंगे वो जो प्रॉफिट हम कमाएंगे लेकिन वो आज नहीं कमा रहे हैं फ्यूचर समथिंग इन द फर्स्ट ईयर समथिंग इन द ईयर मैथ सीखा तुमने टाइम वैल्यू को नहीं सीखा उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा पी इज इक्वल टू ए इन टू वन प्लस एन प्रेजेंट वैल्यू तो जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका हम क्या निकलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ये भी कंसेप्ट तुम्हारा था उसको वैल्यू इन यूज बोलते हैं हम वर्ड यूज क्या मैंने यह चीज तुम्हारी डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी था फॉर योर इंफॉर्मेशन अगर गलती से पढ़ने की कोशिश की होगी तो अब तुमको ऐसे चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें क्योंकि मेरा प्रॉब्लम वही है बच्चे सीखते नहीं और बच्चे, सिखाते भी नहीं दोनों तरफ से प्रॉब्लम है बच्चे का भी प्रॉब्लम है टीचर का भी प्रॉब्लम है वैल्यू इन यूज विच इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्यूचर प्रॉफिट दैट यू कैन जनरेट अगर मैं बोलता हूं वो है तेरा करोड़ फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में जो कमाओगे क्लासरूम right? तो तो हमने बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, चाहिए. क्यों बेच करके कितना मिल रहा है नाइन पॉइंट एट करोर यूज करके कितना मिल रहा है तेरा करोड़ क्या चूज करोगे नाइन या 13 करोड़ 13 करोड़

बिजनेस का वैल्यू तो अगर हमें ये एकत्व है एक आप इसको एक बिजनेस एंटिटी करके ट्रीट करो एक लिस्टेड कंपनी करके ट्रीट करो तो जब आप इसका वैल्यूएशन करोगे तब आप बिल्डिंग 9.8 कंसीडर करोगे या करोड़ कंसीडर कंसीडर करोगे यू विल बिल्डिंग एज करोड़ बेसिकली इट्स लाइक अ बिजनेस वैल्यूएशन तो इसीलिए बच्चों जो बिजनेस की ये दोनों में से जो हायर होता है इसको हम फेयर वैल्यू बोलो या अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या बोला मैंने रिकवरेबल अमाउंट इट इज हायर ऑफ हायर ऑफ ए मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं असेट बेच के ये 9.8 करोड़ मेरे को कैसा मिल रहा है असेट बेच के मिल रहा है रिस्पॉन्स मैं ये पीबी रेशो पे आ रहा हूं दो मिनट रुक मार्केट रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ ए मार्केट वैल्यू एंड बी इज वॉट वैल्यू इन यूज मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों कितना है 13. तो बोलो 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 या fair price या market price जो होनी चाहिए उसकी कुछ भी या, नाम कुछ भी दे दो आप कितना होना चाहिए 13 करोड़ मतलब धंधे का वैल्यू बुक्स पे छह करोड़ है लेकिन सच में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए तेरह करोड़ होनी चाहिए बिजनेस की वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू नाइन पॉइंट एट है बट धंधे में यूज करके ये बिल्डिंग को यूज करके बिजनेस करके आप ज्यादा कमा रहे ना अगर यूज करके आप ज्यादा कमा सकते हो तो आपने क्या करना चाहिए बेचना चाहिए या यूज करना चाहिए यूज करना चाहिए so ये बेच के कमा रहे हैं। बेच... चो, चो कैसे? चो... ऐसा ना हाँ। बेच के यूज करके यूज को क्या बोलेंगे इस्तेमाल नहीं वो नहीं इस्तेमाल बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो नहीं मेरा फर्स्ट तो स्ट माल अरे बहुत लिख दिया मैंने मेरा हो गया हिंदी खत्म सो व्हाट यू शुड डू यू शुड अप्लाई ब्रेन अगर वैल्यू इन यूज यहां पर छ करोड़ कम होता था 9.8 से तो ऑब्वियसली बिजनेस का वैल्यू कम होता था तुम्हारा बट नहीं today का higher of the two. कुछ समझा क्या समझा तुमको तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे मशीन दिख रहा है करोड़, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है करोड़, तुम्हारा पीबी आ गया, टू पॉइंट टू पॉइंट क्योंकि इतना ही बिजनेस है हमारा अजूम करो तो वो बिजनेस कंडक्ट करके रन करके हम फ्यूचर में जो कमाते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूंढो प्रेजेंटली आई तेरा करोड़ प्रेजेंटली तेरा करोड़ आई कि नहीं आई बेच के आज आ रहा है नाइन एट। तो मैं ऑब्वियसली दोनों में से जो बड़ा है वो चूज करूंगा ऑब्वियसली करोड़ बड़ा है यार उतना तो अकल है तुम्हारे पास तो धंधा मैं तेरह करोड़ में बेच सकता हूँ मतलब धंधे की वैल्यू तेरा करोड़ है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा कितना रहा है छह करोड़ बुक्स में मैं तेरह करोड़ नहीं दिखा सकता हूँ कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस

अब ये लिथियम आयन की बैटरीज या ईवी के लिए जो बैटरी लगती है वो बैटरी पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे अभी तक मेजोरिटी बैटरीज उसकी जो थी वो तुम्हारे सेल्स या प्लस गाड़ियों में जो बैटरी लगती है वो है देखो इसके मैं कहा गया बैलेंस शीट में गया इसका सितंबर 2023 का लेटेस्ट बैलेंस शीट अपने पास अवेलेबल है बैलेंस शीट में देखो ये पहला लाइन कह रहे इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंशियस नहीं कितना इक्विटी कैपिटल 85 85 रुपीस नहीं है क्रोर्स है 85 क्रोर्स ये क्या है 12000 रिजर्व्स देखो नहीं कैलकुलेटर 85 प्लस 12439 क्या मिल गया आपको नेटवर्थ मिल गया किसका एक साइड का एक शेयर का है या सारे शेयर्स का है कितना आया बोले सर ये शेयर कैपिटल इतना कम कैसे अरे क्योंकि उसको फेस वैल्यू पे दिखाते हैं जो प्रीमियम आप हाँ कलेक्ट करते हैं उसको हम शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंदर नहीं दिखाते क्यों नहीं दिखाते नहीं दिखाते बोलो ना तो टोटल कितना ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फोर क्रोर्स वॉट इज इट नेटवर्थ ऑफ होम एक्साइड डिवाइड बाय वॉट नंबर ऑफ शेयर क्यों पर शेयर करने के लिए अभी नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे एक का टोटल कॉलम पे आने इधर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखते हैं 85 है क्यों फेस वैल्यू एक रुपया रहेगा डिवाइडेड बाय 85 करो नंबर ऑफ शेयर्स भी 85 है क्योंकि फेस वैल्यू कुड बी वन रुपी ना कितना आया पर शेयर वन सेवन वन फोर्टी सेवन पॉइंट बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ एक्साइड डॉट इन लैपटॉप पे करो मोबाइल पे करो जहां कहीं करना है करो, पे जाके देखो। मैं तुमको दो और बोलता है उसका भी खुद करके देखो फिर आप बोले नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ पे दिखा तुमको फ्रंट पेज पे अगर नहीं दिख रहा है तुमको नंबर ऑफ शेयर तुमने लॉग इन करने के बाद तुमको नहीं दिखा तो क्या करने का एड जो नहीं दिख रहा है टाइप करने का नंबर ऑफ शेयर ऑफ इंटरनेट स्पीड नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है यार, क्या बेइज्जती करवाई यार नंबर आता है इंटरनेट मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है इधर आता है सब अरे वैसे ही लाया ना मैंने ऊपर मैंने ऐड किया हाँ देखो आ गया स्लो है बेसिकली वो आईपैड पे एप्पल का कुछ झगड़ा तो रहता है उसे। तो ऐसे ऐड करने का तुमको नहीं दिख तो है? है? रहा है नंबर ऑफ़ शेयर्स, रहे थ्री थर्टी फोर कैल्क्य प्राइस टू बुक वैली रेशो थ्री थर्टी फोर डिवाइडेड बाई वन फोर्टी सेवन टू पॉइंट प्राइस टू

हमारा राजा है तो मेरे को कंपेयर करना है, तो बहुत को जब आपको करना होता है, मुझे आईसीआई बैंक दिख रहा है कि कौन से बैंक में पैसा डालू शेयर खरीदू तो वैल्यूएशन करना पड़ता रहा है वैल्यूएशन के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस टू अर्निंग्स रेशो एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिडा रेशो ऐसे बहुत सारे रेशोज निकल के आते हैं कुछ रेशो के लिए डेटा जो है अपने पी एंड एल और बैलेंस शीट से आता है तो जो डेटा एक अभी बैलेंस शीट से आया वो मैंने आपको दिखाया कौन सा चीज लेके शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल एंड 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 सरप्लस सरप्लस सबको समझ में आया and and तो बोलो शेयर कैपिटल के अंदर क्या दिखाएगा तुम इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट विच वैल्यू फेस वैल्यू दैट टू टू द एक्सटेंट इट इज पेड अप पूरा का पूरा फेस वैल्यू दिखेगा क्या मेजोरिटी केस में पूरा दिखता है क्योंकि सब कुछ पेडअप रहता लेकिन अगर कुछ कॉल्सिन तो वो माइनस करके ही अमाउंट यहां पर आएगा ये माइनस बैलेंस शीट पे नहीं होगा बैलेंस पे होगा? नोट्स टू। फिर हमने क्या लर्न किया रिजर्व एंड कितने बच्चे होते हैं? कौन से दो रिस्पॉन्सारे मरे हुए पब्लिक एक कोई मर क्या तुम्हारे घर में ऐसे तो बैठे रहते कोई शक्ल अरे इतना अच्छा शक्ल पे दिखाओ ना कुछ सत्रह अठारह अच्छा साल के लोग है तुम्हारे तो शक्लों में अगर स्मार्टनेस नहीं दिख रहा है तुमको हायर नहीं करेगा कोई अरे मतलब यू स्पीक कॉन्फिडेंस हाउ यू लुक इज नॉट रिलेवेंट तुम्हारे बाल है या नहीं है वो रिलेवेंट नहीं है बाल काले है या पांड्र वाइट क्या बोलते रहे सफेद सफेद है वाइट को क्या बोलते हिंदी में सफेद सफेद है या पांडरे है जो भी है फर्क नहीं पड़ता यार स्मार्टनेस वे यू स्पीक वो स्मार्टनेस विल कम ओनली एंड ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कंसेप्ट जेन्यूनली समझ के रट्टा मार के नहीं तो रिजर्व कितने टाइप के है दो रिजर्व डिवाइडेड इन टू टू पार्ट डिविजिबल डिविजिबल कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंट नॉन डिविजिबल बट वी शो इट अंडर दिजर्व यह कंसेप्ट अगर तुमको इसी से ही आपको समझेगा बोनस शेयर उसका अकाउंटिंग समझेगा इसी से ही तुमको बाय बैक ऑफ शेयर के टाइम पे तुम डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर सकता है नॉन डिविजिबल नहीं कर सकता वो कॉन्सेप्ट समझेगा मैं यहां से आगे और दो कॉन्सेप्ट अभी नहीं थोड़ा मतलब टाइम जाके क्योंकि एक साथ तुम्हारा कैपेबिलिटी नहीं समझ में आया बट लॉजिक अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट दिया था अब तक अपना बैलेंस शीट एल दोनों खत्म हो गए होते आराम से क्यों अच्छा छह सात तो आइटम है और है क्या हेडिंग ये तुमने कुछ लोगों ने तो फाउंडेशन में भी पढ़ लिया होगा बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड समझा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्क समझा गया और एक बहुत खतरनाक आइटम रहता है जो अभी तक 99% पब्लिक को मालूम ही नहीं रहता ये आइटम बहुत कम कंपनीज़ में रहता है लेकिन जहां का ही रहता है ना वहां पे ढूंढ के अच्छा पैसा कमाने का स्कोप रहता है सुन लेना ठीक से बहुत खतरनाक आइटम है अकाउंटिंग में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स शेयर वारंट बहुत कम कंपनी में दिखता है आपको ओके okay, यहां तक किसी को डाउट है पहले पूछो ऑनलाइन पब्लिक ऑफलाइन पब्लिक किसी को डाउट है तक। बिंदास पूछ कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते दिखता है यहां पर शेयर के टाइप्स होते हैं टू इशू डिफरेंशियल राइट शेयर सेक्शन फोर्टी थ्री ऑफ द कंपनी लॉ अलाउजनी टू इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर

नोट्स अपन में लिखेगा क्लास ए शेयर क्लास बी शेयर क्लास सी शेयर जो भी आपने इश्यू किए हैं वो शेयर का डिटेल्स आपको नोट देना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट ओनली टोटल विल कम डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल ओके अच्छा आंसर करा था सर हम रिजर्व सरप्लस शायद इसलिए शो कर रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कुछ स्पेसिफिक जगह कर सकते हैं एज पर द एक्ट ओके भाई साहब बोल रहे हैं सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व सरप्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम कुछ जगह यूज कर सकते हैं बेटा सेक्शन नंबर 52 टू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर स्पेसिफाइड परपज नन ऑफ दर्पज इज गिवन इन सेक्शन फिफ्टी टू इंक्लूड पेमेंट ऑफ मनी टू द शेयर होल्डर्स एक लाइन बोलू बहुत जन्नत है सुनोगे ठीक से सुनना A company collects capital from the investors and deploys that capital in the business. deploys capital in the and earns profit on that capital, or a return on capital. Company collects capital from investors and earns return on that capital and deploys capital and earns return. Return on capital a profit. Company can earns a uh, company earns return on capital. It can return return on capital, but not the capital. वापस आपस। ठीक से सुनो कंपनी कैन रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल बट नॉट द कैपिटल मतलब इन आसान भाषा में बात करूं कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन द कैपिटल बट नॉट आउट ऑफ कैपिटल तो बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना कौन थे वो आदित्य सिंह जी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है उसमें से तुम डिविडेंड दे सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी लॉ ने अलाउ किया यूज करने के लिए लेकिन अगर तुमने सेक्शन 52 ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें एक भी जगह पे लिखा नहीं है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप डिविडेंड दे सकते हो नहीं अलाउड नहीं, नहीं है आई रिपीट कंपनी कैन गिव अ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन कैपिटल बट नॉट आउट ऑफ कैपिटल मतलब बेसिकली कंपनी लॉ का प्रिंसिपल क्या है कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट कैपिटल कैनॉट बी गिवन बैक क्यू वो कैपिटल देख के ही लेंडर तुमको लोन देता है कल कंपनी के लॉस हो गए कैपिटल वाले लोगों ने या ओनर्स ने बेयर करना चाहिए लेंडर ने बेयर करना चाहिए ओनर तो दैट इज वाई कैपिटल शुड रिमेन इन दी बिजनेस ताकि अगर कछ, कल कुछ लॉस हुआ तो पहले लॉस किसने सफर करना चाहिए ओनर्स ने ओनर्स का जो कैपिटल है धंधे में वो लॉस पहले बेर करना चाहिए अगर लॉस का अमाउंट उससे ज्यादा हो गया तो लेंडर्स को भी नुकसान होगा ही होगा वो तो है कंपनी लॉ का कोर प्रिंसिपल वापस कंपनी कैन नॉट रिटर्न बैक द कैपिटल बट कंपनी कैन गिव डिविडेंड आउट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन कैपिटल हा ना This is a general rule. There are few exceptions. Buyback of shares is an exception. That exception is covered under Section 52. If you read Mr. Aditya Singh, security premium can be used for buyback of equity shares. What happens? Sometimes company has a lot of capital, more than So company law allows company to give the excess capital back to investors. But in that case, you need a first permission of your creditors. Why? एक सिंपल लॉजिक तुमको घर खरीदने का? एक करोड़ का घर खरीदने खरीदना है कोई भी बैंक तुमको एक करोड़ का लोन देता है क्या नहीं क्यों रे वो बोलता है तुम्हारा खुद का कैपिटल डालो इक्विटी कितना परसेंट वो चलो वेरी होता है तुम्हारा एज कितना है घर का कंडीशन कैसा है वगैरह वगैरह

और तुम लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक को नुकसान होगा तो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि बैंक ने लोन दिया या लेंडर ने बिजनेस को लोन दिया तो लेंडर को कभी नुकसान नहीं होगा लेंडर को नुकसान हो सकता है कि नहीं रिस्पॉन्स तुम यहां पे जेल में आके नहीं बैठे हो अरे हज रिस्पॉन्स दिया करो समझा तुमको तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते दैट इज वाइट सिक्योरिटी प्रीमियम इज ट्रूली अ कैपिटल इट इज नॉट अ प्रॉफिट अर्न तो इसलिए मेरा कहना क्या दिखाना चाहिए था हमने सिर्फ जो प्रॉफिट कमाया है बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमाया ना वो रिजर्व के अंदर दिखाना चाहिए था लेकिन हम दिखाते क्या है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम या प्लस बाकी के जो कैपिटल प्रॉफिट रहेंगे तो रिजर्व सरप्लस इज अची खिचड़ी ऑफ वॉट रेवेन्यू रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व डिफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं क्या होते हैं मतलब लेट्स uh, से एक बाप को दो बच्चे हैं एक बच्चे को एक चॉकलेट देता है दूसरे बच्चे को दो चॉकलेट देता है क्या किया बाप ने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉलो किया तो एक बच्चा अलग टाइप का दूसरा बच्चा दूसरे टाइप का वैसे ही कंपनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स क्रिएट कर सकते इक्विटी शेयर्स वो बोलते हैं क्लास ए शेयर्स क्लास ए मतलब कैटेगरी ए शेयर्स कैटेगरी बी शेयर्स वो बोलते हैं कैटेगरी ए को हम कम डिविडेंड देंगे कैटेगरी बी को ज्यादा डिविडेंड देंगे चॉकलेट डिविडेंड एक चॉकलेट तुमको मिलेगा इसको एक मिलेगा इसको दो मिलेंगे अब ऐसा क्यों सर ऐसा क्यों मैं आपको बोलता टाटा मोटर्स ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट किया था उन्होंने उनके पास दो टाइप के शेयर कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी बी को कम वोटिंग रेट दिया उन्होंने। अगर कैटेगरी ए के एक शेयर को एक वोट है कैटेगरी कैटेगरी बी के शेयर को एक वोट है, फॉर दे रहा क्या ए ना अब ऐसा क्यों लॉजिक बोल सुनो रिकलेक्ट एग्जैक्ट ईयर टाटा मोटर्स वांटेड टू अक्वायर लैंड रोवर एंड जगोर ने होते, तो का जो प्रोटर है टाटा सन टाटा ओनरशिप कम हो रहा था नए शेयर इशू किए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप क्या होता है कम होता है उतना सेंस है ना तुमको यार तुम बड़े भाई हो तुम या बड़ी बहन हो घर में बाप को और एक बच्चा पैदा हो गया तो क्या हो गया तुमको रूम शेयर करना पड़ा या घर शेयर करना पड़ा तुम्हारा कंट्रोल के अंदर कम हो गया। तो जब नया मेंबर में आता है, तो तुम्हारा जो कंट्रोल है टाटा हाँ। तो मोटर्स पहले पूरी किसकी थी टाटा सन्स की पूरी मतलब एक अगर नए शेयर इशू किया तो टाटा सन्स का परसेंटेज ओनरशिप कम होता है वो टाटा सन्स को मंजूर नहीं था क्योंकि उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर कम होने वाला था तो टाटा मोटर्स को पैसा चाहिए था लेकिन किसके लिए पैसा चाहिए था लैंड रोवर खरीदने गाड़ी नहीं खरीदने था बिजनेस हाँ। तो, <laughs> बिजनेस तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तो टाटा ने क्या किया नए किए क्लास बी शेयर जिसको उन्होंने पैसा तो लिया लेकिन वोटिंग राइट कम दे दिया हा बोले उन्होंने क्यों एग्री किया उनको वोट में इंटरेस्ट ही नहीं था जो शेयर होल्डर थे क्लास बी के उनको वोटिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थे उनको क्या चाहिए था। था वाले को क्या चाहिए हर कोई शेयर होल्डर को वोटिंग में इंटरेस्ट रहता है क्या नहीं जैसे हर कोई बच्चे को यहाँ पे नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है बहुत सारा बच्चा है, वो सिर्फ के लिए आता है सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है अपना रोतलू बच्चा सो so, वैसे ही हर कोई शेयर होल्डर का तुमको क्या लगता है वोटिंग में इंटरेस्ट रहता है ना बहुत सारे शेयर होल्डर को वोटिंग का होता है वही मालूम नहीं होता तो ऐसे शेयर होल्डर जिनसे टाटा टाटा ने ने पैसा लिया और तो क्या किया क्लास ए शेयर और क्लास बी शेयर क्लास मतलब टाइप 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 ए बी कंपनी लॉ सेक्शन फोर्टी आप इंटर में भी सीखोगे फाउंडेशन में भी सीखा होगा ऐसे डिफरेंशियल राइट के शेयर होते हैं अगर रहे तो ब्रेकअप किधर लिखोगे बैलेंस शीट में लिखोगे क्या नहीं सारा का सारा ब्रेकअप किधर जाएगा तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स सर कितने प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं है तुम कुछ भी प्रीमियम लगा सकते हो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए बस प्रीमियम क्या होता है प्रीमियम मतलब शेयर का फेयर प्राइस क्या है तुम क्या प्राइस पे शेयर इशू करना चाहते हो उस प्राइस पे अगर सामने वाला खरीदने को तैयार है तुम कुछ भी प्राइस पे इशू करो शेयर इन्वेस्टर्स देर इज नो लॉ डज नॉट गिव अ लिमिट हाउ टू फाइंड द इशू प्राइस ऑफ शेयर दैट यू लर्न इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉट नाउ शेयर का प्राइस आता कहां से

तो शेयर का प्राइस कैसा था एफ एम के अंदर समझेगा बेटा तेरे को बट लिमिट नहीं है टू आंसर योर डाउट एडवाइस फॉर डायरेक्ट एंट्री स्कीम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग लाइव लेक्चर्स हाउ कैन दे वी मास्टर दिस सब्जेक्ट एज वेल एज अ बिजनेस पेशेंस एडवाइस इज इक्वल टू पेशेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में ना बहुत सारे बच्चों का दे वॉन्ट टू गेट एवरी थिंग इन वन नाइट वेरी फ्यू थिंग्स हैपन ओवर नाइट मेजोरिटी थिंग्स मंथ्स टाइम बेटा पेशेंस रख धीरे तुमको मास्टरी डेवलप करना है तुमको क्या लगता है मैं ये लेवल पे एक दिन में पहुंचा नहीं ना तो यू हैव व्हाट इज गुड थिंग अबाउट यू विशाल यू हैव एस्पिरेशन कि यू वांट टू लर्न यू वांट टू मास्टर एस्पिरेशन है बट इफ दैट एस्पिरेशन इज नॉट बैकड अप बाय एफर्ट्स एंड पेशेंस दैट एस्पिरेशन रिमेंस एस्पिरेशन यू पीपल एस्पायर टू बी लाइक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गांव से आए हो मैं जब यहाँ से था पैरागॉन का चप्पल था शर्ट और टी शर्ट वगैरह रेडीमेड शर्ट कैसे पहनना हमको मालूम नहीं था सवा मीटर का डेढ़ मीटर का कपड़ा खरीदने का स्टिच करके लेने का और पैरागॉन का चप्पल पहनने का वैसे थे रेडीमेड जीस कैसे पहनना मेरे को मतलब तो बहुत इंटर में गया तब तो जाके समझ आया अच्छा जीन्स भी ऐसा होता है हमारे गाँव में जींस कंसेप्ट नहीं था मेरा बाप टोपी पहन है कोपरा कोपरा रहता है घर पर बनाया हुआ कोपरा धोती पहनता हुआ पायजामा रहता है हमको दूसरा कपड़ा मालूम ही नहीं था जिंदगी में तो

Aspiration को बहुत सारा चीज सीखेगा तुम एक दिन में चीज सीख ही नहीं सकता है सारा चीज एक दिन में तुमने सीख लिया तो आइर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट है या कोर्स बहुत घटिया है दोनों नहीं है नहीं सीख सकते तुम एक दिन में चीजें तुमको ये कोर्स का को जो नॉलेज है बहुत ज्यादा नॉलेज कोर्स में रखा है मैंने आपको शुरुआत में बोला सी ये कोर्स में प्रोज भी है कॉन्स भी है प्रॉब्लेमेटिक एरियाज भी है तुम पेशेंस रखो आराम से तुम आगे जा सकते हो रिलेवेंट क्या है, क्या है, नहीं है हमारे टाइम कंप्यूटर का ट्रेनिंग तब कंप्यूटर गांव में कंप्यूटर का ही नहीं था टीवी मेरे घर में दसवीं नौवीं या दसवीं में कही था तब जाके टीवी आया तब जाके हमको टेलीविजन पता चला तब तक हम रामायण महाभारत गाँव में जाकर देखते थे बट एस्पिरेशन रखा ना कि मैं सीखूंगा आज मैं तुम कंप्यूटर को बोलो तुम तुम दस साल के बाद मेरे से कंपटीशन कम, करना है, तुमको हरा दूंगा मैं मैं साल 20 साल के बाद भी आ जाओ तुमको हरा हरा दूंगा मैं। 99 को दूंगा पब्लिक को यहां से क्यों धीरे सीख लिया ना मैंने तुम लेकिन मैंने उस प्रोसेस में मैंने मेरा अटेंशन डाइवर्ट नहीं किया मैं मेरे को किसी और से मैंने कंपेयर नहीं किया जब पुना में आया था पहली बार तो बहुत स्मार्ट बच्चे थे इधर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हम मराठी मीडियम से पढ़ के आए

तो क्या है घर भी ऐसा ही था मेरा आज तो लोग बारहवीं में गए तब जाके पक्का घर बना तब तो तक तो घर भी ऐसा था गैस भी नहीं था घर में चूल्हा था हमारे घर में आज भी मैं घर गांव पे गया तो मेरी मम्मी जब मेरे चूल्हे को करके बना के देती क्यों चूल्हे का टेस्ट ही अलग लगता है बट एस्पिरेशन वैल्यू रखो ना द प्रॉब्लम विथ जनरेशन करंट जनरेशन इज नॉट दे वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग ग्रैब एवरीथिंग बिकम रिच बिकमथिंग इट के नॉट अ फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड इट विल जितना स्लो होगा ना उतना परमानेंट रहेगा उतना टिकाऊ रहेगा उतना क्वालिटी रहेगा तो बेटा तो डायरेक्ट एंट्री से है धीरे धीरे आराम से सीख पाएगा सो और किसी कोई दिस लवली आइटम मनी रिसीव अगेन्ट शेयर वॉरंट सिक्योरिटीज प्रीमियम इज बेसिकली कैपिटल रेसिड बट नॉट अ रेवेन्यू रेसिट यस करेक्ट एबसोल्यूटली करेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल बट नॉट अ रेवेन्यू रिसिट क्या है सर आई वॉन्ट टू कम देयर इन पुणे बट ड्यू टू डी कॉलेज नॉट पॉसिबल दैट्स वाई परचेज लाइव एट होम ओके नो प्रॉब्लम होम ना इन इट्स ओके नॉलेज टू नॉलेज है ना जिसको पॉसिबल है पुणे में आना इसी यहां पर फेस टू फेस में क्या होता हूँ अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ अच्छे फ्रेंड्स बनाओ अच्छे फ्रेंड हावस वाली दुनिया पे नहीं कैसा दिखता है नहीं उसके बाप के पास कितना पैसा है वो कैसे कपड़े पहनता है वो क्या ब्रांड के कपड़े पहन के उसके ऊपर नहीं वो फिजिकल चीजों को मत रखो कंसिडरेशन में वो गरीब घर का हो सकता है वो कौन से कास्ट का है वो भी नहीं देखना चाहिए आजकल वो थोड़ा जरा ज़्या, ज्यादा हाबी हो गया अगर तुम बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह देखते हो कास्ट नहीं देखना चाहिए तुमने उसका कलर नहीं देखना चाहिए वो कहां से आया वो नहीं देखना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो हु कैन बिकम अ स्मार्ट एट वट पॉइंट ऑफ टाइम यू नेवर नो फाइव द लाइन यहाँ से कौन टॉप पे जाएगा और कौन नीचे रहेगा किसी को मालूम नहीं सबसे अच्छा दोस्ती बना अच्छा ग्रुप बना के लेवल के करो तो तुमको फेस टू तो फेस आने का यही मौका है नेटवर्किंग सी ए कोर्स में जो चीज मिसिंग है ना वो नेटवर्किंग बहुत मिसिंग है बहुत ज्यादा मिसिंग है क्योंकि कॉलेज काइंड ऑफ एनवायरमेंट नहीं एम बी ए लोग आगे क्यों जाता है वो सलाह उनका एंट्रेंस एग्जाम करके एंट्रेंस तक छोड़ो अलग अलग रहते हैं घर पे पढ़ाई करते लेकिन एंट्रेंस होने के बाद वो दो साल साथ में क्या करते हैं वो लोग रहते हैं

शक्ल देखा तो ही मारने का मन करता है यार बच्चों को कि भाई तू थोड़ा ए, सा सा ऐसा कौन तुम मरने वाले प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन यू आर डूइंग जस्ट फॉर्मेलिटी वो लोग लो लिटरली एन्जॉय करते हैं चैतन भगत का मतलब चैतन इज गुड फ्रेंड चैतन भगत का तुमने टू स्टेट्स, या उसके बुक पढ़े हो गए

मैं कंपनी का प्रमोटर हूं मैं कौन हूं कंपनी का प्रमोटर मतलब जिसने कंपनी स्टार्ट किया ये गलत है दिस इज वॉट गूगल नॉलेज विल टेल यू द पर्सन अ कंपनी इज प्रमोटर दैट इज कॉल्ड फाउंडर द प्रमोटर कैन चेंज प्रमोटर इज बेसिकली पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी हु द ऑफ कंपनी नॉर्मली मेजोरिटी केसेस में जो कंपनी चालू करता है वही रखता है लेकिन प्रमोटर कैन चेंज आप बोलेंगे प्रमोटर कैन चेंज मतलब

गांव से पांच सौ रुपए से चालू करके उसने बिजनेस पांच हजार करोड़ का किया फाइव हंड्रेड रुपीज फाइव थाउजेंड बहुत बढ़िया बंदा है लाइफ के प्रिंसिपल बहुत सारे सीखने मिलेंगे आपको इससे सीनियर बंदा है बहुत सीनियर है सो ए वेल्यू मेलाई स्टार्टेड दिस एज अ कंपनी बहुत बड़ा किया उसने बट एक पॉइंट क्या जो कंपनी शुरू किया था उन्होंने और उनके वाइफ में मिलकर चालू किया था थोड़े लैब में काम करने वाले लोग थे वहां से सीख के उन्होंने कंपनी चालू किया एंड वाइफ एक्सपायर्ड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट द इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस बहुत मतलब आपको लाइफ में लाइफ पार्टनर को कैसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो भी आपको उससे समझे गए ये बंदे से तो उन्होंने बिजनेस सेल कर दिया एक दूसरी कंपनी है फार्म इजी करके कंपनी है क्रिकेट में ऐसा एडवर्टाइज है फार्म इजी कोई तो बॉलीवुड uh, का सॉन्ग है उसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो फार्म इजी ने

अदानी जी ने खरीद लिया किसको एनडीटीवी को तो जो भी थोड़ा बहुत जर्नलिज्म हमारे कंट्री में बचा था वो अभी और बढ़ गया वी हैव सच अ फ्री प्रेस इन इंडिया एक्सलेंट प्रेस इन इंडिया तो प्रमोटर कैन चेंज ठीक है समझा तुमको प्रमोटर क्या है आप सुनो खतरनाक मैं कंपनी का प्रमोटर हूं मैं कंपनी का, का प्रमोटर हूं मेरे को कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोर अबाउटली प्रोमोटर बिकॉज इज अ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ हु नोज मोर प्रमोटर है जो कंट्रोल में उसको ज्यादा मालूम है ना टू अदर्स मैं हूं कंपनी का मेरे को मालूम है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा तगड़ा करने वाला है मेरे को मेरे कंपनी में जो ओनरशिप है मेरी वो बढ़ाने की है

तुम्हारे पास ही आएंगे मीटिंग में जब वोटिंग होता है तो बाकी सत्तर परसेंट के लोग आ नहीं रहे लेकिन मेरे पास कितने वोट्स है थर्टी परसेंट सो इफ यू टू पास अ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पड़ा होगा तुमने लॉ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब पास करना होता है या एस जब पास करना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन तो मेरे पास ही वोट्स मेजोर रहेंगे ना ठीक है अब सुन लेना मैं कौन हूं रिस्पॉन्स ये कौन है कंपनी इसके प्रोस्पेक्ट मेरे को अच्छे दिखते बड़ी होने वाली है देखा क्या तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते यार है कंपनी बट मेरे पास आज पैसा नहीं है क्यों नहीं है नहीं है यार पैसा आई वांट टू अक्वायर शेयर ऑफ द कंपनी बट आई डू नॉट है वेरी गुड सो वॉट डू आई डू कंपनी लॉ में यू वर्न दैट द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी आर सेपरेट लीगल एंटिटीज मैं कौन हूं प्रोमोटर कंपनी अलग है कंपनी में हम रिजोल्यूशन पास करते हैं कि कंपनी एग्रीज टू अलॉट कंपनी अलॉट नहीं बोला एग्रीज टू अलॉट शेयर टू प्रमोटर आफ्टर टू ईयर्स एट राइट टू द प्रोमोटर टू बा आज का शेयर का प्राइस है एक्साइड के प्रोमोटर को बहुत एक्साइटमेंट लगता है बिजनेस में कि आगे ईवी बहुत ज्यादा बढ़ेगा ईवी में डिमांड बहुत आएगा बैटरी ईवी तो पूरा बैटरी पे चलने वाला है डीजल पेट्रोल कुछ नहीं होने वाला है उसके अंदर तो Promoter को बहुत अच्छा लग रहा है तो प्रोमोटर को शेयर लेकिन उसके पास पैसा नहीं है आज। तो lot, 370 अब बोले सर, 334 प्राइस चल रहा है तीन सौ सत्तर को क्यों बेच रहे हो अरे आज नहीं रहे आज एग्रीमेंट कर रहे या आज उसको हक दे रहे किसको हक दे रहे प्रमोटर को इट्स राइट गिवन टू प्रमोटर टू अक्वायर शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस डिसाइडेड टूडे इक्टिव ऑफ वॉट विलइस आफ्टर टू ईयर्स प्रोमोटर का ऑब्लीगेशन नहीं प्रोमोटर को हक दे दिया कमियर मैं एक्साइड हूं यह एक्साइड का प्रोमोटर है दिख रहा है क्या आइटम जस्ट सेकेंड हा मैं कौन हूं एक्साइड कौन <laughs> है प्रमोटर उल्टा होना चाहिए ना रोल ठीक है आज शेयर का प्राइस चल रहा है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर सो कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ प्रमोटर वेयर बाय कंपनी गिव्स राइट टू प्रमोटर आई डिड नॉट से ऑब्लिगेशन राइट हक कंपनी गि राइट टू प्रमोटर टू बाय द शेयर कंपनी एट थ्री सेवन आफ्टर सिक्स मंथर टू इन एवर दीरियड दिया क्या टाइप का हक है राइट टू बाय शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ रेट डिसाइडेड टूडे वॉट इज द रेट थ्री सेवनटी का रेट डिसाइड किया बट ये हक के लिए ये हक राइट क्या होता है यू मे एक्सरसाइज योर राइट यू मे नॉट एक्सरसाइज योर राइट वोटिंग इज योअर राइट विल यू गो फॉर वोटिंग दिस इलेक्शन आई होप यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग मेजोरिटी हर कोई वोटिंग के लिए जाएगा नहीं क्यों वोटिंग इज योअर अगर इसकी जगह गवर्नमेंट ने बोला होता हर कोई जो वोट करने आएगा उसको मस्त है कि उधर डिनर मिलेगा या उधर लंच मिलेगा सारे के सारे बुक्कड़ लोग उधर जाएंगे और खाना खा के आएंगे वोटिंग इज योर राइट यू मे एक्सरसाइज राइट यू मे नॉट तो ऐसे सेम ये जो बंदा है दो साल के बाद राइट एक्सरसाइज करेगा या राइट एक्सरसाइज डिपेंड्स बट उसको हक दे रहे हैं ना वो हक के लिए उसको कुछ तो पैसा देना पड़ता है कंपनी इन एडवांस राइट नाउ सो ही पेज सम मनी टू द कंपनी कंपनी हूं ना मैं दैट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट वो जो हक दिया उस हक को हम बोलते हैं शेयर सो शेयर वारंट इज नथिंग बट अ राइट गिवन टू प्रमोटर टू गेटिंग दैट राइट प्रोमोटर पेज सर्टन अमाउंट टू होम कंपनी प्रमोटर इज सेपरेट कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन प्रोमोटर अलग है so right right, कि नहीं है प्रमोटर ने पैसा दे दिया अब रियल लाइफ में क्या होता है मालूम है प्रमोटर ही इधर रहता है डिसीजन लेने के लिए अरे गधे मेरे पीछे कंपनी के <laughs> जब कंपनी डिसीजन लेता है लीगली कंपनी एंड प्रमोटर है। दिख रहा है तुमको प्रमोटर इधर प्रमोटर छोटा या मैं बड़ा हूं जा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये तुम्हारे सीए फाउंडेशन में था हाउ मेनी ऑफ यू नो वेयर वाज दिस किधर था कॉर्पोरेट वील चुप बैठ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू इज अ कॉल ऑप्शन आधे गधे ऐसे ही दिख रहे ये क्या था बीसी के करके एक सब्जेक्ट था उसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कॉल इज राइट टू बाय पुट इज राइट टू सेल तो शेयर वॉरंट इज जस्ट अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इट्स अ राइट टू प्रमोटर टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी एट व्हाट डेट फ्यूचर डेट बट वो राइट right उसको ऐसे ही मिलेगा क्या उस राइट right के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा तो जो पैसा कंपनी को मिल गया है वो कहां पे दिखाएगा तुम मनी रिसीव अगेन शेयर वॉरंट और फ्यूचर में जब जाके शेयर्स अलॉट करेंगे हम उसको एक्चुअल में अभी शेयर अलॉट क्या उसको नहीं अभी सिर्फ एग्रीमेंट किया कमिटमेंट किया मतलब इट्स लाइक एंगेजमेंट मैरिज नहीं हुआ अभी तक एंगेजमेंट हो गया फ्यूचर में जाके क्या होएगा मैरिज होएगा मैरिज होएगा मतलब शेयर इशू करेंगे हम उसको जब शेयर इशू करेंगे तो ये मनी रिसीव करेंगे शेयर वारंट क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल में चला जाएगा समझा कुछ तो शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें रहती है कौन सी तीन शेयर कैपिटल रिजर्व एंड

ऐसे ही तुम अगर सुनोगे तो मैं हर रोज बिना ब्रेक के भी सिखाऊंगा <laughs> नहीं ना सर जब 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 जरूरत पड़े देखो यही मैं तुमको बोल रहा हूं तुम अगर जेन्युन कॉन्सेप्ट कितना स... अगर किसी ने नोटिंग करके रखा होगा ना आठ दस पेजेस भरे हो गए तुम्हारे कम से कम तुमने अगर सारे एग्जाम्पल्स में जो जो बकाऊँ तुमने लिखा होगा बहुत सारे लोगों ने लिखा ही नहीं बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा है मैंने जितना लिखा है ना उतना ही चीज तुमने लिखा है ये नहीं होना चाहिए मैंने तुमको जो जो बाकी के एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे ना यार बट तुमने सिलेबस what... के लिए मैं तुमको क्या बोल सकता देखो मैं क्या इतना ही बक सकता हूँ लेकिन मालूम नहीं जो मैंने किया ना, इसके ऊपर शेयर का एडजस्टमेंट इजी जाएगा शेयर्स फॉर फ्यूचर का जो एंट्री मैं तुमको सिखाऊंगा वो इजी जाएगा इट्स अप टू यू इफ यू ऑन्ट टू रेसिप्रिकेट तो तुम रेसिप्रिकेट कर सकता है हर रोज हम ऐसे ही करेंगे ब्रेक दे दूंगा मैं डरना मत राइट right. किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है बाकी पब्लिक विल मीट यू टुमारो अगेन बाय बाय